भी अपने पास शेयर कर देती हैं ड्राइव पे, भेजी सही सही। अस्सलाम उनको, उनने ये उनको याद आ गया तो उन्होंने साथ रिकॉर्डिंग सर। की। जी तहसीन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम अगेन। थैंक यू सर। सरिश ने भी ज्वाइन किया है। सरिश क्या जी, हाल है सरिश? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सबका क्या हाल है? हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों हमारी पुरानी स्टूडेंट है जी, पिछले बैच की। रजा साहब भी आ गए जी, कनेक्ट कर रहे हैं। हसन साहब भी आ गए। हसन सलाम, हसन वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आई होप के आप सब लोग सीख सकें। सर सलाम अलैकुम। रजा साहब, रजा साहब सलाम अलैकुम। आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया, सलाम अलैकुम आरिफ साहब। अभी टेस्ट कर रहे हैं मेरा ख्याल, अभी वो उनका माइक नहीं चल रहा। आरिफ क्या हाल है? आरिफ को भी आवाज नहीं आ रही, म्यूटेड है शायद। आरिफ आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, मैं जस्ट वो कॉन्फिगर कर रहा था। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? रजा साहब आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल अभी रजा साहब अभी बोल रहे हैं, सेट कर रहे हैं अपनी मेरे ख्याल में ऑडियो को। उनको भी आवाज नहीं। अब कितने मेंबर रह गए हैं जी? मेरे पास 13 आ रहे हैं और 13 का मतलब 14 है। एक तो दो, तो दो तो जी हाँ दो, अभी उनका माइक सेट नहीं हो रहा। जी जी। अच्छा मुझे देखने दे मेंबर अभी मिसिंग कौन कौन से। अनम ने भी ज्वाइन नहीं किया हमारे पुराने बैच से, और बाकी जो न्यू है वो अभी मिसिंग है। मेरा ख्याल है कि 3 मिनट और देखते हैं, 10 पे स्टार्ट कर देते हैं। जी जी। ये फरहीन नहीं आई है मैम, ये क्लास डेली बेसिस का? नहीं 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 नहीं, सर आपका माइक नहीं चल रहा। रजा साहब अब बोले सर, आप क्लासेस डेली होंगी या? नहीं 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 नहीं, वीक में एक दिन होगी सिर्फ ट्यूसडे को, बाकी 7 दिन आप काम करेंगे। सही। रजा साहब आपको आवाज आ रही है सर? जी जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज, बट मेरा शायद ये हैंड्स फ्री जो है कि शायद उसका थोड़ा सा जी सर, अब आपकी, हाँ जी अब आपकी आवाज आ रही है। फरहीन ने भी हमें ज्वाइन किया। फरहीन कैसी हैं आप? सर ठीक हो गया, फिर आप हैंड फ्री निकाल दें और म्यूट कर ले सर, जब आप नहीं बात कर रहे हो तब बिल्कुल, वैसे आप उसको रखें। फरहीन आपको आवाज जी? फरहीन Good, that's good. वो चैट में बता रही हैं। आप फरीन, आप माइक नहीं यूज करेंगी? फरीन I'm sorry, कोई डिसेबिलिटी इशू तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे वो मेंबर्स भी हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल और विजुअल। अच्छा ठीक है, वो कह गई है कि वो माइक जो है। ओके ओके जी, फाइन। ओके फाइन गुड। तो इसमें हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स डिसेबिलिटीज के साथ भी हैं, और फिजिकल और विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हमारे मेंबर्स कुछ ज्वाइन करेंगे हमें। जो हमारे मेन मेंबर्स थे उनमें सिर्फ अनम रह गई हैं। हाँ जी। और एहसन मुबीन रह गए, बाकी सारे आ गए। जी चलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि टाइम जाया ना हो। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी जी फरीन,
जी फरीन इट्स ओके, आप अपना जारी रखें साथ, फिर आई होप के आप इसको थोड़ा सा अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आप जो लोग रजा साहब को भी मेरा ख्याल मेजॉरिटी नोज मी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे भी दिया था, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग। अच्छा मैंने आप लोगों से, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी, अगर आप लोग देख सके तो मुझे बता दीजिएगा। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी सर आ रही है जी। ओके जी आ गई, स्टार्ट हो गई। चलो एक मिनट में इसको जी आ गई स्क्रीन सामने। चलो अच्छा जी, मैंने आप लोगों से एक ये लिंक शेयर किया था, किसी ने पढ़ा इसको? एनीवन? सर एक्चुअली मैं ना उसका थंबनेल जो है जिसके ऊपर जी जी बोले, ये मैंने दो तीन दफा ट्राई किया इसको ओपन करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ ये जो यहां पे पिक बनी है ये शो हो रही थी, लिंक नहीं ओपन हो रहा था। अच्छा चले। अच्छा किसी और ने? सर मैंने पढ़ा था, सिग्नल का इशू था ना, इस वजह से मैंने नहीं चेक किया। ओके जुनेद आप बोलिए प्लीज। ये जब हम ओपन करते हैं ना तब ये पिक्चर ही रहती है, लेकिन एक दो सेकंड लगता है फिर पूरा नीचे ओपन हो जाता है, और इसके नाउ थे स्टेप्स वो, यानी कि मैंने काफी यानी कि पढ़े हैं सारे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और कोई, एनीवन एल्स? जी सर ये थंबनेल जो है इसका जिस पे सेवन साइकल्स हैं, ये मैंने इसको स्टडी किया था, बस इसके आगे नहीं फिर इसको स्टार्ट कर। अच्छा चलें, कोई और बता? सर मैंने लाइफ साइकिल स्टडी किया था, लेकिन नीचे लिंक ओपन नहीं हुआ था। ओके चले, वो जुनेद ने जो बात बोली है ना वो यही है कि आप लोगों ने थोड़ा सा वेट नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ डेटा ज्यादा है, फिर टेक्स बिट मोर टाइम ताकि ये लोड हो सके, इसलिए फिर आप लोगों ने वो सीखो। चले कोई बात नहीं, मेरा पर्पज ये था कि मैं आज आप लोगों को पहले पहले सेशन में ना, क्योंकि आप सारे लोग जॉब कर रहे हैं, आप सारे लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए आप लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमें ना बाज दफा नहीं अक्सर ही समझ नहीं आते कि करें क्या। तो आज मैं आपको सबसे पहले ना कि एक्चुअली आपने ये कोर्स क्यों करना है, आपको इसमें मैं क्या सिखाऊंगा, आपको इसका बाद में फायदा क्या होगा, और इसमें पढ़ना पुढ़ना आपके कुछ नहीं है, मैंने सब प्रैक्टिकल करवाना है ताकि यू पीपल कैन डू प्रैक्टिकल थिंग्स जिससे आपकी डे टू डे और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाए। वो कैसे होंगी, वो क्या होंगी, वो हम कैसे लेके चलेंगे, वो मैं आपको पहले घंटे में या पहले आधे घंटे में पहले में एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं सब लोगों के लिए कि डेटा साइंस जिसको हम लोगों ने बहुत मुश्किल समझा हुआ है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ओनली अबाउट प्रैक्टिस, दैट्स इट। अच्छा जी मुझे सर ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है जो आपने किया है कि प्रैक्टिकल वाला सीन, क्योंकि मतलब टू दी पॉइंट मतलब आप पढ़ाएंगे और उसका हमने प्रैक्टिकल करना होगा, ये आपने सिर्फ बिल्कुल प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि मैं मुझे भी 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो मैं यूनिवर्सिटीज में भी मेरे को है, मैं फिर बिजनेस इंटेलिजेंस को भी करूँ, उसमें हेड भी कर रहा हूँ अब। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी MBA करते हैं, फिल करते हैं, PhD करते हैं, ऑफिस में भी आप लोग जो कुछ भी करते हैं, सॉरी मच्छर साथ साथ मारता रहूंगा, तो जितने भी हम काम कर रहे हैं ना एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है कि हमें किताबें पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं, और वो किताब को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना ना हमें पता है ना हमें आता है, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि मैं आपको बाद में दूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे, हो सकता है आपको खुद भी फीलिंग आना शुरू हो जाए कि आप लोगों ने ये चीज पहले क्यों नहीं सीखी। सर मैंने खुद MPhil की है साइबर सिक्योरिटी में, मैंने आई थिंक आपको बताया भी था, तो मतलब हमें प्रैक्टिकल इतना कोई वर्क नहीं किया, लेकिन ये है कि फिर
खुद से ही सीखा है, जो भी सीखा है, यानी कि ट्राई हैक मी पे उधर प्रैक्टिकल्स लैब्स थी, उधर से सीख सीख के यानी कि रेड टीम का काम सीखा है। अदरवाइज डिग्री में तो कोई नहीं यानी कि पढ़ाया जाता जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना होता है। प्रैक्टिकल में भी मसला क्या आ रहा है कि प्रैक्टिकल में भी आप जॉब पे बैठे हैं, जिसमें मेरे साथ आरिफ भट्टी हैं, आयशा हैं, मेरे साथ ये उमर अजीम हैं, हमारा क्या, हमारे साथ इशू हमारे साथ नहीं है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो इशू ये है कि हमें हमें सिर्फ और सिर्फ सीट पे बैठा के काम दे दिया जाता है और हमें एक तरीका थोड़ा सा पता होता है, जो लोग पहले काम कर रहे थे वैसे ही हमने काम करना है और वी स्टार्ट वर्किंग। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम डे टू डे काम इतना फंस जाते हैं कि हम कहते हैं टाइम नहीं है सीखने का। तो एक्चुअली मैं आपको एक सादी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त बीकन हाउस में 7 साल से, मैं डेली के कम अज कम 1500 के करीब मेरी बिजनेस इंटेलिजेंस की ईमेल्स निकलती हैं सुबह 9:15। मेरे 1500 ऑडियंस हैं जिनको डेली डैशबोर्ड जाते हैं और वो डेली डैशबोर्ड जो है तकरीबन कोई 450 डैशबोर्ड है और वो डेली बनता है, डेली अपडेट होता है और डेली हर बंदे को जाता है, उस पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिसीजन मेकिंग करती है, कैसे करती है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो सारा भी दिखाऊंगा। तो पर्पज क्या है कि मैं 9 से 5 बजे तक फिर भी सब लोगों से ज्यादा वेला होता हूँ, सारे लोग हर वक्त बिजी रहते हैं, जिससे पूछ लो वो कहता है जी काम बहुत है, टाइम नहीं है, काम बहुत है, टाइम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो काम 5 मिनट में हो सकता है हम ऑफिस में उसको एक पूरे दिन में करते हैं, बाज दफा हम 7-7 दिन में करते हैं। इसकी एग्जाम्पल दे दूं कि मेरी HR की एक लड़की है, कल उसने मुझे कहा कि सर मैंने 1800 लेटर्स पूरे बीकन हाउस में भेजने सेंट्रल रीजन में। तो वो मेल मर्ज होता है, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो मेल मर्ज यूज करके एक्सेल शीट से उसको कनेक्ट करके उसने लेटर भेजने थे, तो वो डाटा बना के कलेक्शन करने में उसको कम अज कम 7 दिन लगते। जब उसने मुझसे डिस्कशन की तो मुझे उस पर तर्स आया, मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि यू वॉन्ट दिस टू बी डन टू बी ऑटोमेटेड, उसने कहा जी सर। मैंने उसको 2 घंटे बैठाया, मैंने उसका प्रोसेस ऑटोमेट किया। अब आप समझें वो ऑटोमेशन का रिजल्ट क्या निकला कि उसने एक रिफ्रेश का बटन दबाना है और एक प्रिंट का बटन दबाना है, उसके 1800 लेटर प्रिंट हो जाएंगे जो वो 7 दिन में करती थी। कैन यू बिलीव दिस, मैं असल में ना आपकी शक्लें भी वाजे भी सुनना चाह रहा था लेकिन इस तरह शायद मैंने ठीक है मैं वही ना चले मैं इसको मिनिमाइज करने लगा भाई। चले ठीक है जी। तो डेटा साइंस कोई जादू नहीं है, कोई आप लोगों की, मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं कह रहा कि आपके पीछे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कोडर होना चाहिए, प्रोग्रामर होना चाहिए या साइंसदान होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए ना वो 2 चीजें हैं, सही सवाल पूछना, सही जवाब देना और प्रैक्टिस, दैट्स इट। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, answering the right questions और फिर उस right question के against कुछ ऐसे actions लेने के आप उसका फायदा उठा सके। सर इसमें machine learning और python भी तो करनी पड़ेगी हमें, I think। नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यही तो आपको समझा रहा हूँ। 2 तरह की options होती हैं, या तो आप बन जाए coder, programmer, developer, या फिर आप business analyst, data scientist बन जाए। तो डेटा साइंटिस्ट में यूज नहीं होती सर ये पाइथन और मशीन लर्निंग? सब कुछ होती है लेकिन स्टेप्स है ना, मतलब आप पहले साइकिल लेते हैं, फिर मोटरसाइकिल लेते हैं, फिर 125 लेते हैं, 200 cc लेते हैं, फिर मेहरान लेते हैं, फिर कल्टस लेते हैं, फिर आप सिविक लेते हैं या सिटी लेते हैं, करोला लेते हैं, करोला के बाद फिर अभी हम सीडी ले रहे हैं, अभी हम साइकिल। अब आपकी मर्जी है कि आपने सीडी नहीं, आप लोग सीडी 70 पहले चला रहे हैं, अभी हम लोग 125 चलाएंगे और उसके साथ जो बंदा ज्यादा मेहनत करेगा
वो या तो सीधा ही किया पोर्टेज पे चला जाएगा या फिर वो स्टेप्स पूरे करके जाएगा। ये अब आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि मैंने तो 2 घंटे पढ़ा के पूरा वीक आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा ना वो इस चीज को समझ पाएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, अदरवाइज आप सारे एक्सपीरियंस का आपको फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें आपने प्रैक्टिकल करना है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, और आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ जी कि एक्चुअली ये तस्वीर मैंने, आप सोच रहे होंगे मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, मैंने कोई हैंडबुक नहीं ली, मैंने कोई आपको नोट्स नहीं दिए, मैंने कोई खूबसूरत सी पप्पू सी कोई ऐसी पीपीटी नहीं बनाई कि मैं आपको इम्प्रेस कर सकूं। मैंने एक वेबसाइट बनी बनाई का लिंक खोला और आपको दिखा दिया। तो मैंने इसलिए कहा कि आपने कोई भी चीज रिप्रोड्यूस नहीं करनी, जो चीज मौजूद है उसी को यूज करना सीखना है। दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस। जो चीज मौजूद है उसको समझ के उसकी आगे सारे प्रोसेसेस करने, ठीक है जी। अगर किसी को मेरी बात समझ ना आए तो बीच में मेरे से सवाल भी पूछता रहे, क्योंकि ये वन वे नहीं है कि मैं आपको 2 घंटे लेक्चर दूंगा और बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस ताकि हम इंटरेक्टिव पार्ट में रहें। रजा साहब आपको आवाज आ रही है ना, तो मैं चाहूंगा सर आपने पार्टिसिपेशन पूरी करनी है। राइट सर, राइट, आई एम लिसनिंग। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल है ना, ये टोटल डेटा साइंस की मतलब आप समझ लें कच्चा चटा है। हम इसके एक एक स्टेप को एक दफा डिस्कस करते हैं, फिर मैं इसको जो मैंने प्रैक्टिकल्स किए हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये है क्या। अच्छा जी, ये पहला उन्होंने, पहले हम पूरे पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े तो मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 है जी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, स्टेप 2 है डेटा माइनिंग, स्टेप 3 है डेटा क्लीनिंग, नंबर 4 है डेटा एक्सप्लोरेशन, नंबर 5 है जी फीचर इंजीनियरिंग। ये नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं किसी जगह पे किसी तरह के किसी, लेकिन बैकएंड पे स्टेप्स सारे सेम ही होते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है जी डेटा विजुलाइजेशन। सर मैंने सुना था कि इसमें से सबसे जो मुश्किल है वो फीचर इंजीनियरिंग है शायद। नहीं, मैं आपको यही बताने लगा, सबसे मुश्किल है ये सबसे पहला, नंबर 1 इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ये सबसे मुश्किल काम है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। क्यों? मैं हूं एग्जांपल लेता हूं, मैं अब आप लोगों के साथ में सवाल जवाब इसलिए था मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने लगा। सवाल शुरू कहां से होता है, मैं ये अपवर्क खोलता हूं जी। किसी को नहीं पता अपवर्क का तो मैं बता देता हूं, अपवर्क फ्री लांसिंग वेबसाइट है, इसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, इसके ऊपर आप जो भी सीखते हैं उसको अप्लाई करके जॉब्स आप लेके आप काम कर सकते हैं, आपको पेमेंट्स मिलती हैं डॉलर्स में। तो ये मैं अपना मेरा अकाउंट है तो मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ये देखिए जी, एक अभी जुनेद आपने पूछा था, ठीक है जुनेद? यस सर मैं सुन रहा हूँ। ये जो मैंने इसमें ये वाला, ये जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है ना, आप मैं अपवर्क पे गया हूँ, ये जो इतनी सी चीज लिखी हुई ना, ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। आपकी सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है कि आप इसको पढ़ के समझ लें। माइक अपना म्यूट कर लें, जो अभी नहीं सुन, जो जब बोलना होता आप ऑन कर लीजिएगा। ये देखें, ये एक अभी प्रोजेक्ट डला हुआ है, ये तो चले एस्टिमेटेड बजट उसने बहुत ही थोड़ा रखा है, $40, ये $2,000 का बजट, ये आपको नजर आ रहा है जुनेद। मैं आपको इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इंट्रैक्शन की थी। ये एक छोटी सी उसने लाइन लिखी है, आई वॉन्ट टू हायर अ मार्केट एनालिस्ट हु विल हेल्प टू एनालाइज माई प्रोडक्ट इन मार्केट, नीड रिसर्च रिपोर्ट ऑन मार्केट हु विल हेल्प टू लॉन्च प्रोडक्ट इन मार्केट। उसने ये लाइन लिख दी है, उसका बजट चेक किया आपने कितना है जुनेद? यस सर, $2,000। और अगर $2,000 को अगर हम कर लें, इस वक्त कितने का चल रहा है? 360,000 पाकिस्तानी। 182 चलो 170 लगा लेते हैं, क्योंकि 20%
अपवर काट लेता हूँ, 160 लगा लेता हूँ। पहले टोटल लगाता हूँ 180 मल्टीप्लाई, देखा 360,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% कर लो, ले 288,000 रुपए का बजट है, ठीक है। अब ये इतनी सी लाइन है, ये जो लिखा हुआ ना बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये उसकी टोटल बिजनेस की लाइन है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो फिर आप अगली बात करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आती आती तो आप क्या करेंगे। ये तो स्टेप बहुत दूर में आएगा फीचर इंजीनियरिंग, ऐसे ही है बिल्कुल। उसकी जी जी बोले जी, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप वो समझ जाएंगे तभी आप उसको फिलफिल करके देंगे सारी चीजें। यस, और जब तक आप उसकी और दूसरी चीज आप उसकी रिक्वायरमेंट तब समझ सकते हैं जब इसी लाइन को किसी और चीज इसी में कोई और देख लेते हैं। एक एग्जांपल, ये $100 का प्रोजेक्ट है, आई नीड अ म्यूजियम लीडरशिप रिसर्च एक्सपर्ट फॉर डेटा एनालिसिस टास्क, आई हैव द डेटा। उसने भी सादी सी बात कर दी है कि जी मेरे पास एक डेटा है, मैंने उस पर रिसर्च करनी है, $100 है। और ये आपको मजे की बात बताऊं, ये जो $100 वाला काम है ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस से ये कोर्स करेंगे, ये 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। आपको यकीन आता है मेरी बात पे? बिल्कुल सर। जी सर बिल्कुल आता है। चलो शुक्र, बाकी लोगों को जी जी पार्टिसिपेशन चाहिए। बिल्कुल आता है। यस सर। यस सर। हसन आप भी बोले। जी जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि अगर इंसान इस पे प्रैक्टिस करे तो ये जिस तरह बता रहे हैं एक टाइम फ्रेम उसके अंदर जल्द से जल्द कर सकता है बंदा, ठीक हो गया। अभी मैंने आपको ये सारे डाटा एनालिटिक्स के ये सारी चीजें चल रही हैं कि मेरी प्रोफाइल से मैच हो के मुझे बिजनेस आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूं, एक मेरे पास चल रहा है, एक इस बंदे के साथ एक चल रहा है, किधर गया, माय जॉब्स, इस बंदे ने मुझसे एक सिंपल डैशबोर्ड मांगा हुआ जिसके लिए मैंने उसको बहुत सारी चीजें करके दे दी हैं। अब वो जरा गया हुआ है, सी द प्रोजेक्ट वैल्यू देख रहे हैं जी, $400। यस सर। और ये yes, मैंने उस और ये मैंने उसको सिर्फ yes, sir. दो घंटे में उसको सारा समझा दिया था। लेकिन ये सारा प्रोसेस किस बेस पे मैंने किया था, ये वाला बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आपको पहली लाइन पढ़ के समझ आना चाहिए कि आपने 7वें नंबर तक कैसे पहुंचना, ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो सबसे मुश्किल पार्ट है पहला, ये हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसको कैसे करना। अब आपने इसी एग्जांपल को लेते हुए उसे काम ले लिया, काम आपके पास आ गया, ये काम आपके पास पहुंच गया, आपने उसने आपने कहा मैं पैसे ले लूंगा। अब आ जाती है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग जो है ना, इसको मैं आपको नीचे से समझाता हूं। अब आप मुझे बताएं, इस पे नजर आ रहा है आपको कि नहीं? जी सर आ रहा है। अब आ रहा है? जी जी सर आ रहा है, आ रहा है। जी सर आ रहा है। अब ये डेटा माइनिंग क्या है आप देखें, आप हमारे पास कोई मिस साइमा कितने 60 प्लस की रजिस्ट्रेशन आई थी? जी मदरसे साहब 62। हमारे पास 62 की रजिस्ट्रेशन आई। अब आप समझिएगा, ये जो डेटा माइनिंग की बात हो रही ना, ये प्रोसेस हमने आप लोगों के साथ कैसे किया। हमने एक गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म के अंदर हमने पहले सोचा कि हमें आप लोगों की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी। हमने उस गूगल फॉर्म में डिस्कशन की, पिछली दफा हमने कुछ और सवाल डाले थे, इस दफा हमने कुछ और सवाल डाले। क्यों मिस साइमा, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। हमने सवाल ऐसे डाले, उन सवालों की बेस पे सबसे पहला काम हमने क्या किया कि आप लोगों का डाटा कलेक्ट किया।
जब हमारे पास डाटा आया तो उसके अंदर हमने एक चीज लगाई हुई थी कि जिस बंदे ने कभी एक्सेल पे काम नहीं किया, जिसके पास इंटरनेट नहीं है और जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं कम अज कम, वो बंदा इस कोर्स में ना आए। उसकी रीजन ये है कि उसका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी होगा। तो हमने क्या किया, उसमें से 40 के करीब बंदे फिल्टर कर, सॉरी 20-22 के करीब, ऐसे ही जी जी। बाकी हमने 20 को लिंक भेजा, तो अब जिनमें से आप सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो आप लोगों का डेटा सेट आया उसको हमने प्रोसेस करना शुरू किया। तो आप लोगों ने देखा जब सबके ईमेल एड्रेसेस हमारे पास आ गए, तो ये मैंने एक स्लैक का चैनल बनाया। ये मेरे लैपटॉप पे लकीर लगी है, किसी ने किया है, मेरी स्क्रीन पे है, ये आप लोग देख रहे हैं जी। ये वो स्लैक एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की, मेरा पिछला एक्सपीरियंस इसलिए उस पर ठीक नहीं था व्हाट्सएप पे, कि व्हाट्सएप पे होता क्या है, ये आप लोग सारे मेंबर्स हैं जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 19 मेंबर्स यहाँ पे आप लोग मुझे ऐसे नजर आते। तो हमने मैंने ये स्लैक इसलिए बनाया कि मैंने आपको कोई लिंक देना है, मैंने आपको कोई फाइल देनी है, या मैंने आपसे कोई एक्सरसाइज शेयर करनी है। तो मेरा सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग ये थी, ये वाली पहली वाली सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग ये थी कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों के पास व्हाट्सएप चलता है तो आधे से ज्यादा लोग तो व्हाट्सएप देखते ही नहीं है, क्योंकि इतने ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, फिर वो फाइलें आपके मोबाइल में इतनी हो जाती हैं तो आप लोग उसको ढूंढ ही नहीं पाते। तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव सोचा, ये स्लैक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी चल रहा है और जगह भी, हमने कुछ नहीं किया, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमारे पास आ जाए। मैंने एक बंदे यहाँ पे लिंक भेज दिया तो 18 के 18 बंदे इस पे कर सकते हैं, और किसी के पास स्लैक पहले इंस्टॉल्ड नहीं था तो इसलिए वो स्लैक में जाएगा तो उसपे चीजें मिल जाएंगी। ऐसे ही है जी, जी सर। ये सारा इस प्रोसेस का हिस्सा है जो मैंने पहला किया ना, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपने करना क्या है। फिर मैंने आप लोगों से डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्शन के बाद आप लोगों से सारे ईमेल एड्रेसेस लेके यहाँ पे वन बाय वन हमने स्लैक में आप लोगों को ऐड किया। ऐड करने के बाद फाइनली हम आज इस कोर्स में पहुंचे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी सर। अब एक और मसला आ गया। मसला क्या आ गया कि अब 18 बंदे हैं, उनकी कहीं एक जगह पे इंफॉर्मेशन चाहिए। ये स्लैक में मुझे यहाँ से तो नजर आ रहे हैं मेंबर्स, इनके नाम तो लिखे हुए हैं सारे मेरे पास, लेकिन इनकी बाकी डाटा किधर है, मुझे चाहिए होगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को एक मैसेज लिखा कि आप लोग अपना अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। आप लोगों को याद होगा जहां से मैंने शुरू किया था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। हर चीज के पीछे एक पर्पस था और आपको मैं बताने लगा। 18 में से एक भी बंदे ने इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। किसी ने फॉलो किया तो मुझे बता दे सर। ये आपने कहां भेजा था? यही इसी के अंदर, स्लैक के अंदर। मुदस्सिर साहब, हमें हंसने की इजाजत है? बिल्कुल हंसने की इजाजत। ये इस फॉर्मेट के ऊपर आपने कहा था लेकिन हमें अंदाजा नहीं हुआ, यही मैं बताने लगा हूं। ये जो चीज है ना, ये देखो, इसको समझे, डेटा माइनिंग और डेटा क्लीनिंग। मैंने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप मैंने कहा था, मैं आप लोगों को ये बाद में बताऊंगा। मैंने देखो यहाँ पे मैंने एंटर खुद मारा है, स्लैक में नहीं एंटर। अब मुझे बताए, आरिफ ने जब फौरन जवाब दिया था, मुझे बताए इसको पढ़ना आसान है या फिर मैं नीचे दिखाता हूँ कि आरिफ का पढ़ना आसान, किसको पढ़ के आपको सही समझ आ रही है जल्दी से फौरन? ऑब्वियसली आपके वाला, क्योंकि हर लाइन डिफरेंटली मेंशनड है।
आपके वाले आपके वो स्टेप वाइज है ईच एंड एवरीथिंग का जी सर आपके पास एक्चुअली ये एक तो अंडरस्टैंडिंग का इशू था मेरे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा नहीं 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 मैं आरिफ मैं ये कह रहा कि आपने गलत नहीं किया इसको नेगेटिव नहीं लेना नहीं नहीं सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि एक तो ये स्लैक ऐप फर्स्ट टाइम यूज की है यूज करना नहीं आती थी लेकिन जो इंटरफेरेंस जो आप दिखा रहे हैं ना जिस तरह आपका मतलब फॉर्म जिस फॉर्म में वो आ रहा है इस फॉर्म में ऐप में नहीं शो हो रहा था ऐप में वो नीचे ही आ रहा था मतलब जिस तरह हम टेक्स्टिंग करते हैं उस तरह ही शो हो रहा था अच्छा मोबाइल में ऐसे शो हो रहा था जी मोबाइल में ऐसे शो हो रहा था क्योंकि आप लैपटॉप पर यूज कर रहे हैं इस वजह से शायद बाकियों को भी शायद होगा इस तरह का मैंने इसलिए आप देखते साथ ही मुझे आइडिया हो गया कि आपका लिखा हुआ जो मोबाइल में शो हो रहा था वैसा नहीं था वो नीचे ही उसके आ रहे थे टेक्स्टिंग की तरह मैं आरिफ भाई की बात से एग्री करूंगा क्योंकि हम लोगों ने मेरा ख्याल है कि शायद ज्यादातर मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसी से फिर कम्युनिकेट किया आपके साथ मैसेज के अंदर ओके ओके चलिए कोई बात नहीं बाकी और जिन जो लोग बोल नहीं रहे मुझे सिर्फ कंफर्म कर दे उनको अभी तक की बातें समझ आ रही हैं जी बिल्कुल समझ लग रही है ऐसी बातें हमें एंड तक समझ आती रहेंगी वेलकम जी वेलकम आपको भी हम मैंने आपका नाम नहीं देखा था चलिए ठीक हो गया जी अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट ये एसएन मुबीन आ गए मेरे पास मुझे अपनी तो कैमरा स्क्रीन नजर नहीं आ रही ओके ओके कोई बात नहीं वेलकम 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 एसएन कोई बात नहीं इशू कोई नहीं आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मेरी गारंटी है कि जब तक उनको सब समझ नहीं आ जाएगा तब तक मैं जान नहीं छोड़ने वाला मेरा मिशन है सिखा के भी ठीक है हम भी आपकी तरह ही हैं हम दोनों यूएमटी एलुमनी हैं बस ठीक चल ठीक हो गया जी अब मैंने क्या किया मैंने ना सोचा मैं कौन सी इंफॉर्मेशन देखें पिछली दफा क्या हुआ था मैं पिछली दफा मैंने ये स्टेप्स नहीं किए थे मैंने किया कि जब मैं पहला लेक्चर दूंगा तो हम एक घंटा सिर्फ इस चीज में जाया करेंगे कि इंट्रोडक्शन होगा तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के सेट किया कि सारे लोग इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल दें उससे क्या होगा कि पहला आधा घंटा इंट्रोडक्शन का थोड़ा कम हो जाएगा हमें वो टाइम जाया नहीं करना पड़ेगा So, इस पर्पस के लिए मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया था कि हर बंदे को दूसरे बंदे के बारे में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि इससे होता क्या है ये मैं जो बातें करूँ ना इसको जरूर आपने ये डेटा साइंस का हिस्सा है आपने काम करने से पहले ये सारी चीजें सोचनी है ये जो पहला स्टेप है ना बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ये बिजनेस ही है मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ मैंने अपने बिजनेस को समझना है कि मैं आपके साथ काम कैसे करूंगा तो मैंने ये इसलिए बनाया कि हर बंदे को एक दूसरे के बारे में पता लग जाए कि वो इस वक्त किस इंडस्ट्री में है कितना एक्सपीरियंस्ड है और क्या काम कर रहा है और इसके पीछे एक पर्पस था मुझे बताएं जब रजा साहब ने लिखा कि वो उसको हेड कर रहे हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या आप लोग फीलिंग नहीं है कि वो कितने सीनियर है इसी तरह जब जुनेद ने कहा वो टर्की में है और साइबर सिक्योरिटी में है तो आपको उसका मैसेज पढ़ के ये फीलिंग नहीं कि इस कोर्स में एक तुर्की टर्की से बंदा जी ज्वाइन करने वाला है ना ऐसा यस सर बिल्कुल तो जब भी आपने डेटा साइंस पे जब भी आपने डेटा साइंस को शुरू करना है ना तो आपने सबसे पहले ये इन डेप्थ स्टडी खुद करनी है कौन सा स्टेप आपने करना है जिसका इम्पैक्ट बाद में क्या है और मजे की बात ये है कि उमेर की वजह से पहले ये फरहान आए और फरहान की वजह से आज एहसन मुबीन भी आ गए और कल मेरी डिस्कशन हुई रिजवान साहब सर आप हमारे साथ है ना रिजवान जुल्फकार साहब थोड़ा वो कम बोलते हैं लेकिन मैंने कहा मेरे नजर नहीं आ रहा तो मैं पूछू सर You are with us? जी सर मैं साथ हूँ सर बस ठीक हो गया तो जुल्फकार साहब के साथ भी कल मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ज्वाइन करना चाहता हूँ हमारी ही ऑफिस में मिस सहरिश हैं उन्होंने उनसे आज डिस्कशन हुई शी सेड के मेरा छोटे भाई हसन है वो भी
उनको भी ये चीज सीखनी है. तो हाउ इट वर्क्स, दिस इज ऑल प्री प्लान, और एग्जैक्टली जैसे हमने प्लान किया है ये वैसे ही हुआ है. कैसे, हमने 2 महीने पहले डिसाइड किया था कि हम इस कोर्स को मार्केट करेंगे, हमारे पास कोई 50-60 की रजिस्ट्रेशन आएंगी. पिछली दफा हमने फ्री किया था, इस दफा हमने कहा हम इस पे फीस लगाएंगे. फिर हमने कहा जितने लोग फीस पे कर देंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो बंदा पैसे देता है ना वो बंदा सीखने के लिए आता है. फ्री में लोग ना वैल्यू नहीं करते. हमने सिर्फ इस पर्पज के तहत फीस रखी, अदरवाइज ये अभी भी फ्री होता. जब हमने फीस रखी तो 60 में से हमारे पास कोई 20 के करीब पेड हो गए, बाकी लोग अभी कुछ पेड नहीं है. हमने 20 जो पेड वाले हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पर रख लिया कि हम इनको ये ट्रेनिंग देंगे. अब मेरा स्टेप समझिएगा, मैंने पूरा बिजनेस समझा, मैंने डेटे की माइनिंग की, डेटे की क्लीनिंग किया. मेरे पूरे स्टेप में कोई समझा सकता है डेटे की क्लीनिंग क्या किया हमने, जो भी मैंने बातें की. एनीवन? जी सर. जी सर, एक सबसे पहले कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स रखी कि आपके पास इस सिस्टम होना चाहिए, उसके साथ जिस पे आपने काम करना है जिस उसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन होना चाहिए या मिनिमम 2016 होना चाहिए, प्लस जो पेड हैं वो ज्वाइन करेंगे और उनको एक ट्रैक्शन आपने दे दी कि अगर आप 100% फुल क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको 50% ऑफ दे दिया जाएगा. तो ये एक मतलब डेटा जिन जो लेस इंटरेस्टेड थे या जिन जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे थे तो वो आपने वहां से फिल्टर कर लिए, वो डेटा आपका क्लीन हो गया. बेहतरीन बेहतरीन. ये चीज किसी और को भी ऐसी समझ आई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, कि इसको बेसिकली फिल्टर डाउन कर दिया है डेटा को. जिस तरह आपने बताया था कि इनिशियली 60 लोगों की 60 लोगों की रजिस्ट्रेशन आई, एंड जब आपने कुछ चीजें लिखी, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे गूगल फॉर्म में, वो फिल्टर डाउन हो गए. फिर जब फीस लगाई तो फर्दर फिल्टर डाउन हो गए. तो आई बिलीव कि वो उसके अंदर डेटा क्लीनिंग हो गई आपकी. अब आपके पास वो लोग हैं हु आर हियर टू लर्न और जो के पे करके लर्न भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो उनके लिए भी प्रायोरिटी है और उनके लिए कंसिस्टेंटली वो करेंगे भी. बेहतरीन हो गया. फजीला, आपको कुछ समझ आई? जी सर, समझ आई है. बेहतरीन. अब मुझे बता सकता है कि इस पूरे स्टेप में जो हमने किया है उसमें डेटा एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट कौन सा किया है? मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ ये डेटा एक्सप्लोरेशन जो हमने आप लोगों को आज के दिन तक लाने के लिए एक एक्सरसाइज की है, उसमें एक पार्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन का. कोई बता सकता है वो क्या है? चले, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है हर पार्टिसिपेंट का जो ईमेल है उसको आइडेंटिफाई किया. यस, ये भी एक पार्ट होगा. ईमेल को आइडेंटिफाई किया, फॉर्म के थ्रू सारा कुछ ले लिया, लेकिन ये डाटा माइनिंग और डाटा क्लीनिंग कलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के हम आ गए. डाटा एक्सप्लोरेशन क्या है? डाटा एक्सप्लोरेशन ये है, अब मेरा सवाल मैं पूछने लगा हूँ, अब मुझे बताएगा हम लोग इस वक्त इस कोर्स कितने लोग हैं हमारे जूम के अंदर मीटिंग में? 16 आप लोगों को एक बात बताता हूँ, डेटा साइंस में जहाँ डेटा होता है ना वहां पे एग्जैक्ट नंबर, आप जो ये डेटा साइंस में आगे निकलता है ना वो है जो एग्जैक्ट नंबर को नंबर गेम समझ सकता है. अगर आप एस्टिमेशंस लेंगे ना तो एस्टिमेशन की एग्जांपल ये ले लें जिस तरह रजा साहब या बैंकर समझ सकते हैं या उमेर लोग सेल्स में समझ सकते हैं. मैं अपनी कंपनी को कहूं कि आपने ईयर एंड पे 1 अरब रुपए की सेल करनी है और एंड पे पता चले वो 600 मिलियन की हुई, हुआ क्या? वो सिर्फ एक एस्टिमेट था. तो अब आप सोचें कि 400 मिलियन
कि गलत प्रोजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सकती है। सो डेटा साइंस में आपने प्रोबेबिलिटी नियरेस्ट टू रियलिटी निकालनी है, फिर आप कामयाब है, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, आप समझे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इस वक्त मेंबर, मुझे, मैं स्क्रीन पे कोई और देख सकता है तो बता दे, इधर मुझे सारी खोलनी पड़ जाएगी। नहीं तो चले ठहर। अब आपने देखना है कि हम डेटे को मेमोराइज कैसे करें। हमारे पास जी सबीन शफीक हैं, एक बैंकिंग से हैं, मुनीरा बैंकिंग से हैं, हमारे पास रजा साहब तीन बैंकिंग से हैं, चौथा बैंकिंग से कोई है जी? आरिफ। आरिफ, चार हमारे बैंकर्स हो गए। और हमारे पास वो हैं, एक ही विंडो के अंदर तीन लोग हैं जो नेशनल फूड्स से हैं। नेशनल फूड्स ऐसे ही है जी, एक उमेर अजीम है, वो कह रहे हैं मैं अजीम एजेंसीज को कर रहे हैं, दो नेशनल फूड्स से है, ऐसे ही उमेर जी सर? ठीक हो गया, उन लोगों का सेल से रिलेटेड काम है, हम तीनों सेल से रिलेवेंट है, मैं भी हूँ, एहसन भी है और फरहान भी है। एहसन मुबीन जो है ये फार्मास्यूटिकल साइड से। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एबल प्लस है, ये हमारी एनजीओ है जिसके थ्रू हम ये कोर्स करा रहे हैं। ठीक हो गया। जुनेद साइबर क्राइम में एमफिल कर रहे हैं टर्की से। तहसीन, सहरिश और हमारे पास दो ही हैं, ये हमारे पुराने मेंबर्स हैं जिन्होंने हमसे पहले भी सीखा था, इन्होंने प्रैक्टिस की थी और ये विलिंग थे तो हमारे साथ दोबारा मौजूद है। अब फरहीम जो है वो उन्होंने जवाब दिया था, शायद तो वो ऑफिस में है, वो बोल नहीं सकती, तो कोई बात नहीं। तो अब आयशा तारिक है, ये सफायर से है, ऐसे ही है जी? जी जी बिल्कुल, सफायर से। अब सफायर टेल ऑफिस से। बिल्कुल बिल्कुल। अब डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? हमारे पास नेशनल फूड्स एक कंपनी आ गई, एमसीबी बैंक दूसरी कंपनी आ गई, बल्कि इस वक्त माइक्रो फाइनेंस बैंक एचबीएल बैंक हो गया ना जी सुबीन? जी बिल्कुल, एचबीएल माइक्रो फाइनेंस, एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया जी। आरिफ बट्टी हमारे पास बैंक अलफला से हैं, जुल्फिकार साहब, एसएन मुबीन इस वक्त 20 कंपनीज को देख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल साइड में स्टेशन एक होता है, मल्टीपल कंपनीज होती हैं। और जुल्फिकार साहब हमारे सीनियर मैनेजर फाइनेंस है यूनाइटेड चार्टर स्कूल में। ठीक हो गया। और फिर ये फजीला शाह फ्रेश है, ये स्टूडेंट है, शी वांटेड टू लर्न। और अनम तारिक, अच्छा मैंने आप लोगों को सॉरी अनम का इंट्रोडक्शन ही नहीं करा। अनम यू आर देयर? अस्सलाम वालेकुम। यस सॉरी अनम, मैंने वो मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही थी ना, मैं इंट्रोडक्शन नहीं करा सका। मैं कराऊं या आप खुद कराएंगी? आप खुद कराएं, मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल। ओके प्लीज प्लीज ये इंट्रोडक्शन जरा गौर से सुनिएगा, मैं मेरे लिए तो ये बस कुछ ना कहें जी। बताया ना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनम तारिक और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विजुअली इंपेयर्ड के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करती है। मेरी सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, जिसमें मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को मैं लीड कर रही होती हूँ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। और उसके अलावा मैं खुद ट्रेनर हूँ, खुद भी विजुअली इम्पेयर ही हूँ। मैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर कोच हूँ। और बस यही था। और सर से मैंने डेटा साइंस का लास्ट जो इन्होंने करवाया था वो मैंने कोर्स किया था। अच्छा, अब आप विजुअली इम्पेयर्ड की डेफिनेशन बताएं, क्योंकि बहुत सारों को समझ नहीं आया होगा। आई एम विदाउट साइट, जस्ट nothing else, because I can do everything, there is nothing what I cannot do, just I don't have sight to see, I have all other senses to work. मैं, मेरा ख्याल है सब लोगों को मैं और थोड़ा सा explain करता हूँ, क्योंकि she is a sample और मेरे लिए ऐसी motivation है। अब आम लफ्जों में वो explain नहीं कर पा रही, she cannot see. Yes.
शी कैन नॉट सी, जिसको आप आम अल्फाज में हम बोलते हैं. अना माजरत के साथ मैं वो लफ्ज बोलना चाह रहा हूँ, बोल दू? हाँ जी बोल दें. वैसे मैं बोलती नहीं होती हूँ बट मैं वो बोलना चाह नहीं रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए. जी बिल्कुल सही. बहुत आप बहुत सारे सदके सिर्फ इसलिए लोगों से शेयर करते हैं कि लोग मोटिवेट हो के वो सदका करें, नहीं तो सदका शेयर करना जो है ना उससे सवाब खत्म हो जाता है. लेकिन हदीस है, आप जब किसी के सामने देते हैं ना तो वो इन्फ्लुएंस होता है. तो ये मैं वर्ड इसलिए इतना आसान बोलना चाह रहा हूँ कि दे शुड गेट इन्फ्लुएंस्ड के आप कितनी स्किल्ड हो, मतलब अनबिलीवेबल. मैं बोल दूं लफ्ज में आपसे माजरत के साथ, इजाजत नहीं साथ नहीं, नो इश्यूज, नो इश्यूज, पक्की बात है ना? यू कैन, यस गाइस, एक्चुअली शी इज ब्लाइंड, शी कैन नॉट सी एनीथिंग. और आपने उसकी प्रोफाइल सुन ली है कि व्हाट शी इज डूइंग. और मेरी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था अनम को पढ़ाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बाद में इसको कोई हेल्प नहीं कर सका. इसने भी मुझसे कोई मुझे लिफ्ट नहीं कराई, मुझसे कुछ पूछी नहीं थी. मुदस्सिर साहब, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी. मुझे देखने की डेफिनेशन जिंदगी में पहली बार एक विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड ने बताई. उन्होंने कहा कि आप जो देखते हैं ना वो बेस्ड ऑन वाइटल साइंस है. आप लोगों के देखने की एक पर्टिकुलर लिमिट है, एक पर्टिकुलर फासले के बाद आप नहीं देख सकते. हम जो लोग होते हैं विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ, हमारी देखने की लिमिट नहीं होती, हम अनलिमिटेड देखते हैं. और इन बातों की समझ मुझे तब आई जब अनम ने हमें पिछले डेटा साइंस के कोर्स में ज्वाइन किया. आज ही हमने एक मीटिंग हुई हमारी, और उनके साथ हमने अनम को एक प्राइड के तौर पे, अपनी एक अचीवमेंट के तौर पे मेंशन किया कि हमारे साथ डेटा साइंस के कोर्सेज में. वो साहब भी थोड़े से डाउटफुल थे कि ब्लाइंड कैसे कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयरमेंट तो एक अलग से फील्ड है उनके लिए, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंसेज, इस तरह की चीजें कैसे. हमने फिर उन्हें बताया कि ऐसे जैसे अनम कर रही हैं. तो अनम हम सबके लिए जो है वो एक मेटाफर है जी. प्लीज. और मैं विश रखता हूँ जी, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन की था ट्रेनर कि मैं अब एक वक्त आएगा कि मैं इतनी सारी ट्रेनिंग्स नहीं करा पाऊंगा. हाँ जी. तो हमने इन्हीं में से कुछ अच्छे लोग जो हमारे साथ चलते रहेंगे, ट्रेन हो जाएंगे, उनको एज ट्रेनर यूज करना है. और हमने अनम तारा को हिट लिस्ट पे रखा हुआ. क्यों अनम? इंशाल्लाह. क्यों अनम? थैंक यू. इंशाल्लाह 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 आई विल डू इट. इंशाल्लाह यू कैन डू इट इंशाल्लाह. अच्छा जी, अब आपने देखा सर, मैंने अभी आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल, जुनेद आप हैं? Yes, brother, yes, मैं सुन रहा हूँ. Okay. अभी मैंने आप लोगों के सामने कंपनियां डिस्कस की, बंदे डिस्कस किए, उनकी प्रोफाइल डिस्कस की. फिर मैंने आपको बताया कि रजा साहब का 20 साल का एक्सपीरियंस है, मिस सबीन का 20 साल का एक्सपीरियंस है, आरिफ भट्टी का 16 साल का एक्सपीरियंस है, उमेर फरहान और एहसन, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो जरा. सर मैं अजीम एजेंसीज को 2013 से देख रहा हूँ. अकाउंट्स को मैंने शुरू किया था, उससे पहले मैं वेयर हाउसिंग देख रहा था. उसके बाद अभी मैं अकाउंट्स को ही हेड कर रहा हूँ. लड़कों को अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने चीज़ें डिजाइन की हुई हैं, उनको टू डू लिस्ट दिए हुए, उसके मुताबिक हम चीज़ें अपने पास ऑर्गेनाइज करके काम चला रहे हैं. फरहान जो है ये नेशनल फूड से तकरीबन 8 साल से ये मुंसलिक है हमारे साथ. एहसन मुबीन जो है ये यहाँ पे उमर ट्रेडिंग एक है डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, उनको वहां पे ये सेल्स जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं वहां पे बैठ के. तो इनका जो तकरीबन जो है वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उमर ट्रेडिंग के अंदर. ओके. अच्छा अब और भी हमारे साथ हैं. आप मुझे बताएं, हमने ये वाला स्टेप किया, चौथा स्टेप, आपको अपने ही 16-17 मेंबर्स का डेटा एक्सप्लोर करने की समझ आई? कैसे एक्सप्लोर किया हमने? ये लोग नहीं करते. आपने इस लेवल तक चीजों को समझना है कि क्लैरिटी हो जाए. मुझे बताएं, आज की क्लास खत्म होने के बाद क्या आप लोगों को 70% बाकी लोग याद रह जाएंगे, कंपनियां याद रह जाएंगी?
Anyone can answer? जी बिल्कुल सर, you are right. ऐसे ही है ना सर? Yes. तो मेरा इतना 15 मिनट इस पॉइंट पे लगाने का मकसद ये था कि आपने डेटा साइंस के कोर्स को करने के लिए आपने निटी गिटीज को इस डेप्थ तक देखा. अगर आप इन डेप्थ नहीं जाएंगे तो आप डेटा साइंस को फुल एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आदि हैं कि हम चीज पढ़ते नहीं है, उसको गौर से देखते नहीं है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है उसको समझते नहीं है. और उससे बड़ी बात, उससे हम फायदा क्या ले सकते हैं, हम इस चीज को कभी भी नोट करते. अब मुझे बताएं कि अगर आप में से किसी बंदे को एमसीबी बैंक में काम पड़ जाए तो कोई बंदा आपको जेहन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. कौन सा नाम बताएं? नाम नहीं सुना. आई थिंक रजा साहब थे जी. रजा साहब. और इसी तरह अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक में आपको जरूरत, एचपीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक में कोई हेल्प की जरूरत पड़ जाए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पता है इस कोर्स में कोई बंदा है कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. नाम बताएं, ताकि ये जो मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ इसका पर्पस जो होता है आप समझे. कल को आपने ये चीजें रिपीट करनी है. जो आप चीजें रिपीट करते हैं ना, वो चीजें आपके दिमाग में इमेज की सूरत में स्टोर होना शुरू होती है. अब आप मुझे नाम लेके बताएं दो बंदे कौन से हैं. एक मिस फरहीन है आई थिंक, और एक और है मिस सबीन थी आई थिंक. सबीन. और दूसरी? मैं बताऊं? फरहीन. वो खुद ही बता दे आप. जी मुनीरा है. मेरे ख्याल में उसका माइक ऑफ है. अच्छा, उसका माइक ऑफ. अब आपको पता लग गया. अब अल्फला में कौन है जी? कोई अल्फला में भी हमारे पास बता. आरिफ साहब. यस. यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल से कौन है? जुल्फकार साहब थे. यस यस. अब आप लोगों के एक दूसरे के डेजिग्नेशंस एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत याद हो चुके होंगे किसी को? बहुत. जी अब मैं बताता हूँ कि डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है. आपने एक चीज की तह तक जाना है. अगर आप तह तक नहीं जा सकते तो आप डेटा को एक्सप्लोर नहीं कर रहे. इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं. सो मेरा पॉइंट आपको ये क्लियर करना था, डेटा एक्सप्लोर करना बाकी 3 स्टेप की बेस के बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी हम प्रैक्टिकली जब डेटा सेट पे काम करेंगे, वो तो करेंगे, तो मेरा ख्याल जो मैंने अभी तक पिछले 55 मिनट में डिस्कशन की है, इसमें आपको बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में समझ आना चाहिए कि डेटा साइंस करती क्या है. समझ आ रही है जी? किसी को नहीं समझ आ रही तो प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन. सर आ रही है समझ? सिर्फ एक ही? बिल्कुल आ रही है समझ. दो हो गए, दो बंदे हो गए. नहीं नहीं सर, बिल्कुल आ रही है सर. आ रही है. आपने जो प्रोसेसेस समझाए हैं, जो साइकिल समझाया अभी तक, वो सारा समझ लगा है. और ये आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं मैंने समझाया जो बुक में किताब में लिखा हुआ. जी बिल्कुल. सामने जो हमारे अपने ही लोग हैं उनके ही डेटा को लेकर आपने उसको ही एक्सप्लोर करके बताया, तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा हम सबके लिए. जुल्फकार साहब, इज इट ओके यहां तक? एक्चुअली जो हम जो देखते हैं या हमने अपने मतलब प्रोसेस में डेटा को जिस तरीके से लिया है, हमारे लिए बस वो एक टेबल की तरह होती है. मतलब आप जो है वो एक डिस्कशन में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर. तो वो इतना आसान नहीं है.
तो पूरी फील्ड है वो तो आते आते आएगा बिल्कुल समझ रहा हूँ और... लेकिन मतलब अब वाकई में समझे हैं कि नहीं समझे ये भी हमारी अपनी समझ के हिसाब से ये हो सकता है मैं समझ ना आ रहा हूँ लेकिन सर हम प्रैक्टिकली करेंगे एक्सरसाइज हम जब करेंगे ना तो ये सार क्लियर होना शुरू हो जाएगा अभी सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को इसका जो खौफ होता है ना कि डेटा साइंस जिस तरह जुनेद ने हमें समझाया गया है कि आर लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज फलानी लैंग्वेज कोडिंग ये वो सीख लो तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते वैसे नहीं बन सकते तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि सर डेटा साइंस हर जगह अप्लाई हो रही है उसको अप्लाई करने के लिए आपने अपना रोल चूज करना है एक स्टार्टर का रोल है एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल है एक एक्सट्रीम है जो डेटा साइंटिस्ट की लास्ट स्टेज है जो कि गूगल फेसबुक एल्गोरिदम मशीन लर्निंग पे अप्लाई करते हैं वहां तक पहुंचने से पहले पिछले सफर तय करना बहुत जरूरी है हम वो नहीं करते और हम डायरेक्ट सोच रहे होते हैं कि हमने एंड पे पहुंच जाना ठीक हो गया जी अब है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग प्रिडिक्टिव मॉडल फीचर इंजीनियरिंग ये इसी का हिस्सा है कि इसकी इंजीनियरिंग करनी कैसे है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ये है जी के तुम्हें आप लोग सेल्स में है बल्कि रजा सारे लोग काम कर रहे हैं जी उमैर आप अगर मार्च में इस वक्त खड़े हैं आपके साथ फरहान थे ना जो आप कह रहे थे 20 को फार्मास्यूटिकल से एसएन है अच्छा चलिए एसएन को अगर मैं ये सवाल पूछूं कि एसएन इस वक्त 20 कंपनियों की आप मुझे एक समरी वन पेज पे दिखाएं कि आपकी ये 20 कंपनियां ईयर एंड पे कितनी सेल्स करेंगी टारगेट कितना है और जी और क्या आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ है उस टारगेट को अचीव करने के लिए और एक्चुअली मार्च 28 या 29 तक आज वो कितनी सेल्स हो चुकी है क्या ये फॉरन में एक एक ही व्यू में मुझे ये चीज बता सकते हैं क्यों प्रांत जी बिल्कुल बता सकते हैं जी बिल्कुल बता सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई डैशबोर्ड या कोई समरी शीट बनाई होगी जी हमारी बिल्कुल समरी शीट्स बनती हैं और वो समरी शीट डेली अपडेट भी होती होगी जी बिल्कुल ऐसी ठीक है अब फिर हम आगे प्रैक्टिकली ऐसी शीट्स को यूज करने की कोशिश करेंगे मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा आप लोगों की ओरिजिनल शीट्स भी मैं आपसे कहूंगा हमें दिखाएं फिर हम देखेंगे कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है ठीक है जी बिल्कुल सही ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में ये है कि फ्यूचर क्या होगा हमने पहुंचना कहाँ पे है हमने टारगेट सेट क्या किए हुए हैं अगर वो अचीव ना हुए तो फिर क्या होगा अगर हो गए तो फिर क्या होगा जिस तरह रजा साहब एग्जांपल दे सकते हैं रजा साहब बैंकिंग में हमारे जो हर महीने के टारगेट्स होते हैं और फिर क्वार्टरली होते हैं फिर ईयरली होते हैं और फिर होते हैं और फिर उसकी बेस पे लोगों के इंसेंटिव कमीशन सब कुछ लगा होता है तो सर अगर वो नंबर डेली हमारे पास ना पहुंच रहे हो तो उसका उससे आइडिया लग रहा होता है ना कि मतलब मंथ एंड क्लोज ठीक हो या नहीं होगा जी बिल्कुल ये डेली जो रिपोर्ट्स निकलती हैं जिनको हम यूजुअली वॉल्यूम्स रिपोर्ट कहते हैं जो कि यस्टरडे के आज का कंपैरिजन करते हैं ताकि पता लगे क्या डिफरेंस है जो कि क्रिएट हुए एक दिन में बिल्कुल ठीक है और सर जिस तरह उमैर ने और फरहान ने फौरन कहा इसी तरह बाकी सारे लोग भी कह रहे होंगे रिपोर्ट बनती है हमारे पास मौजूद है नंबर्स हैं लेकिन सर हम उन रिपोर्टों की लेटेस्ट फॉर्म देखेंगे फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो डैशबोर्ड या वो रिपोर्ट आपके पास इसी फॉर्म एंड शक्ल में मौजूद है और वो क्या इतनी डायनेमिक है इतनी इंटरेक्टिव है कि हम उसको जिस मर्जी एंगल से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें वो हम अभी अगले घंटे में डिस्कस करेंगे ठीक है सर जी सर प्लीज कैरी ऑन सर बिल्कुल ठीक है अब आज ही आखिरी स्टेज है डेटा विजुलाइजेशन ये वो स्टेप है जिस पे आके आपको पैसे मिलते हैं ये पीछे वाले सारे काम जो है ना प्रोग्रामर कोडर डेवलपर बिजनेस एनालिस्ट
सारे कर रहे हो फड़ा कहाँ पर बनता है डाटा विजुलाइजेशन और दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट टफेस्ट पास्ट जुनेद आप कह रहे थे ना कि फीचर इंजीनियरिंग मुश्किल है नहीं सबसे मुश्किल काम है विजुलाइजेशन और इस विजुलाइजेशन पे पहुंचने के लिए ये सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं फिर ये 10% रह जाता है अदरवाइज ये 90% है ये सारा मिलके 10% है अदरवाइज ये सारा जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा 90% है विजुलाइजेशन सिर्फ 10% हम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये पॉसिबल है अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है अदरवाइज हम ये काम नहीं कर सकते अब मैं चाहूंगा अब मैं ये मैं नीचे आपको सिर्फ गो थ्रू करा देता बाकी मैंने सारी चीजें बता दी मैंने आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी समझा दी है डेटा कलेक्शन प्रोसेस भी अभी हम इन डेप्थ बाद में डिस्कशन करेंगे एनालाइजिंग डेटा भी हम करेंगे डेटे की मॉडलिंग भी करेंगे एवेल्यूएशन भी करेंगे डिप्लॉयमेंट भी करेंगे इनसाइट्स भी देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी बनाएंगे डिसीजन मेकिंग भी करेंगे सारा कुछ करेंगे तो आप लोग ना इसको पढ़ जरूर लीजिएगा इसको एक दफा गो थ्रू कीजिएगा फिर इसको कोरिलेट कीजिएगा जो हम सारे एक्सरसाइजेस करेंगे ठीक है जी ये जो तस्वीर कह रही है ये वो मैंने आपको समझाया कि हमने बिजनेस को स्टडी कैसे करना है अच्छा जी यहाँ पे मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को कहा था कि देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ ये सर ये रेड लाइन मेरे पास ही नजर आ रही है आपके पास भी है जी सर इधर नजर आ रही है हमारे पास भी आ रही है नजर ये मेरे लैपटॉप में आ गई है ये क्या चीज है पता नहीं ये कर्सर कहीं मूव हुआ है इस वजह से आता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये रिमूव नहीं होगी जी अच्छा अच्छा ये मिस साइमा ने कहीं पे जब रिकॉर्डिंग में उनके पास कोई पॉइंटर होगा मैं समझ रहा हूं मेरी स्क्रीन पे कोई चीज आ रही है अच्छा ये कहते हैं जी डेटा साइंस what typically use we typically use data science to answer five type of questions maine aapko pucha pehle shuru mein kaha tha na data science is all about asking right questions and answering those questions that's it agar aap sawal sahi nahi puch sakte aapko jawab theek nahi aayega pehla sawal aapne dekha how much and how many और how many regression how much or how many और regression है क्या ये मैं आपको बाद में run करके practically कराऊंगा तो you will get an idea predictive modeling में regression use होती है हमने FSC में सब ने पढ़ी जरूर है लेकिन हमें पता नहीं था होती क्या है मैंने भी जब की है तो मुझे पता चला ये होती क्या which category this is classification जिस तरह बैंकिंग में तो इसको कभी NPL नॉन परफॉर्मिंग लोन में क्लासिफाई कर देते हैं कभी किसी कैटेगरी में किसी क्लासिफिकेशन ये होता है कि ग्रुप्स बनाना सेगमेंट बनाना वो कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे किस ग्रुप में एनोमली डिटेक्शन एरर्स क्या क्या है और बेस्ट क्या चीज की जाए कि सारा कुछ ठीक हो जाए ये पांच सवाल हैं जो हम हर डेटा सेट पे अप्लाई करते उसके बाद रिजल्ट निकलते हैं कि हमने इनका करना क्या ठीक है जी उसने एक एग्जांपल दी है एग्जांपल देता है जी व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डू ड्राइवर्स एक्चुअली ड्राइव हाउ स्टडी इज देयर इनकम एक सवाल है जो डेटे से पता लग सकता है कि कितने परसेंट वो अपना टाइम यूज करते हैं और कितनी स्टेबल उनकी इनकम है इसकी एग्जांपल ले लें पाकिस्तान में उबर चल रही है ना अगर आपने किसी ने उबर क्रीम में सफर किया तो किसी ने कभी उबर ड्राइवर से सवाल पूछा है वो कितने घंटे गाड़ी चलाता है और क्या कमाता है जी सर पूछा है ना जी सर यूजुअली ऑफिस आवर्स में होता है सुबह के टाइम या फिर इवनिंग इनके पीक आवर्स होते हैं ठीक है और अगर मैं कहूं उसको कि मैं भी उबर ड्राइवर बनना चाहता हूं तो मैं इसके पीछे कैलकुलेशन शुरू करूंगा कि मैं कितने घंटे गाड़ी चलाऊंगा कौन से वक्त में चलाऊंगा
कि मैं कितने पैसे कमा लूंगा जिससे मेरी इतनी इनकम बन जाएगी कि मैं आसानी से अपना घर चला सकूं। यही सवाल आप पूछ सकते हैं ना मुझसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आप इस बाकी भी सवाल है वो एग्जांपल, ठीक है, कलेक्टिंग डेटा, ये सबसे औखा काम, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीका काम है जिसके लिए सारे सॉफ्टवेयर बने, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, कोई वेबसाइट डेटा कलेक्शन करती है। मुझे बताएंगे जी कि फेसबुक जो सब सब लोग यूज करते हैं जी फेसबुक, एक छोटा सा सवाल है। नहीं सर, मैं नहीं करती। आप नहीं करती, चले जो करते हैं वो मुझे सवाल का जवाब दे सकते हैं जी। इंस्टाग्राम ज्यादा यूज कर रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, हाँ मुझे बताएं, फेसबुक डेटा कलेक्ट कैसे करता है और उस कलेक्टेड डेटा को यूज कैसे करता है, कोई मुझे रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताएगा कि वो क्या चीज है, वो कैसे यूज करता है। सर, आपको आपकी एल्गोरिथम्स की मदद से जो फेसबुक या गूगल जो है वो एड्स दिखाता है कि आप अपनी जो फेसबुक के ऊपर क्या चीजें सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस या आपको एड्स या पोस्ट जो है वो आपको दिखाता रहेगा। वो डेटा कलेक्ट क्या करते हैं, उसकी डेटा कलेक्शन में क्या क्या चीजें शामिल, उसमें वीडियो स्ट्रीमिंग भी आती है प्लस कॉमेंटिंग, आप किस किस के ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं, आप लाइक कौन सी वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, और न्यूज देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, या मतलब इस किस्म की चीजें जो है वो उनकी डेटा बैंक के अंदर जाती है, वहां से फिर आपको जो है वो उसी उसी तरह की रेलिवेंट जो आइटम्स हैं वो आपके साथ आप फेसबुक पे वो शो करवाते हैं। तो मैं आप लोगों से मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली आप जिसको डेटा विजुअलाइजेशन कह रहे हैं, मैंने फेसबुक को यूज करते हुए ये विजुअलाइजेशन की है कि जो आप सोच रहे होते हैं और जो आप अपने मोबाइल में कर रहे होते हैं, मतलब टेक्स्ट मैसेज से लेके कॉल तक, वो सब कुछ गूगल रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको वो डाटा कलेक्शन करता है आपकी, और उसी की ही एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए वही चीजें आपके पास वो, उसके उससे रिलेटेड लिंक्स आ रहे होते हैं, उससे रिलेटेड पेजेस आ रहे होते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब अगर आप किसी को टेक्स्ट भी करते हैं का कोई अगर कॉन्सेप्ट फेसबुक के ऊपर सब कंटेंट पड़ा हुआ है या किसी भी सोशल मीडिया पे कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वो कंटेंट आपको बार बार नजर आना शुरू हो जाता है। ये मेरा पर्सनल बैकएंड पे क्या चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा था, किसी को आईडिया है? डाटा कलेक्शन। अब फर्ज करें मैंने एक फेसबुक पोस्ट लाइक की है, बैकएंड पे ये स्टोर कैसे हो रही है? वो यूजर आईडी क्लिक यूजर, जी जी बोले बोले, मैं यूजर आईडी जो आपका जो स्पेशल आइडेंटिटी नंबर होता है फेसबुक के पास, वो उसके अकॉर्डिंगली डाटा बैंक के अंदर वो सारी चीजें उसकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक रिकॉर्ड होती रहती हैं। ये डाटा कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा, फिर उसको वो सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि ये डाटा सॉर्टिंग जो है, ये प्रेफरेंसेस जो है वो किस तरह होती है, जिस तरह आपने ये अभी ग्रुप के मेंबर्स का एक्सप्लेन किया है, तो जो जो चीजें उसके अंदर जो है वो सॉर्ट हो जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस स्पेशल यूनिक आईडी को या फेसबुक यूजर को जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी इंफॉर्मेशन उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक उसको शेयर की जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके बैकएंड पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, डाटा कलेक्ट कैसे होता है, वो जब हम टेबल्स बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आप क्लिक भी करते हैं ना, तो उनके बैकएंड पे जाके डाटा बेस में वो क्लिक स्टोर कैसे होता है, क्योंकि जब किसी ने फेसबुक एड की बूस्टिंग की है कभी, Anyone, किसी ने एड बूस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस कर, अच्छा किया किसने अभी मुझे, सॉरी किसने, मैंने सबीन बात कर रही हूं। जी जी, आपने एड लगाया कोई ऐसे बूस्टिंग की है? जी बिल्कुल। अब जब आप बूस्टिंग करते हैं ना, तो जब आप फेसबुक बूस्टर लगाते हैं तो वो आपको ऑप्शंस देता बहुत सारी कि किस कैटेगरी को, किस एज को, किस सेगमेंट को, किस सिटी को, किस एरिया को, किस रेडियस में,
कितने रेडियस में आपने बूस्ट करना है, लेकिन यहां तक पहुंचने के सबसे पहला स्टेप क्या है, उसने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्शन उसने इतनी आसान कर दी है, इतनी आसान कर दी है कि वो कहता कुछ भी ना करो, लाइक का बटन दबाइए, ऐसे ही जी जी। और उसके अगेंस्ट वो डेटा कलेक्शन हो रही है। अब इससे भी एक स्टेप आगे आ गया है, आप सोचिए जरा, आपने आप फेसबुक स्टोरीज या इंस्टाग्राम स्टोरीज या यूट्यूब स्टोरीज लगाते हैं ना, कि या किसी कोई भी लगाता है, आप देखते हैं कि आपको वो दिखाता है कि इसको कितने लोगों ने व्यू किया, ऐसे ही जी बिल्कुल। आपने कभी सोचा है कि वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने जब आपने उस पर क्लिक किया ना, उसने रिकॉर्ड कर लिया कि आपने ये स्टोरी देखी है, वो किस लेवल तक डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर्स डिफाइन कर आपको वो दिखाता है, जी इतने व्यूज हो गए, ऐसे ही है जी बिल्कुल सर जी जी बिल्कुल। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसमें सबसे इजी वे लर्निंग का जो है वो टिकटॉक है। वो कैसे एक्सप्लेन करें थोड़ा? वो सर अगर आप कोई वीडियो उसमें पोस्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो आप उसके एल्गोरिथम्स जाके उसके स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में वो मतलब व्यू हुई है, कितने लोगों ने व्यू किया है, वो आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स देता है, कितनी मतलब उसकी मतलब कितना उसने कैप्चर किया है आपके जो नेटवर्क को। yes, और yes. पाकिस्तान में, यूएसए में कौन से एरिया में कितने परसेंटेज में वो देखा गया है, और प्लस उसकी मतलब जो उसके सारे स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो होते हैं वो सारे बता रहा होता है, और किस किस एरिया में हिट हुआ है। मतलब इससे हमें समझ आती है कि जितनी भी बड़ी जॉइंट आईटी कंपनीज है ना, वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है डेटा कलेक्शन पे। जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है, फिर उसको बेचा जाता है और उसके ऊपर एड्स लगा के पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे ही है जी बिल्कुल। तो आम आदमी के लिए डेटा कलेक्शन सबसे मुश्किल काम। अगर रजा साहब सर आपके अंडर 100 बंदे काम करते हैं, आपने बताया था जी सर, ऑलमोस्ट 150। और सर अगर डेली 150 से कोई फाइल चाहिए हो, तो कैसी फीलिंग होगी कि डेली 150 फाइलें आपके पास आ रही हैं? जी एग्जैक्टली, ये काफी कम्बरसम काम है। और वो 150 फाइलें आपके पास आ रही होंगी ना, तो सर हर बंदे ने उसमें फुल बूटे डाले होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए उसको रिफाइन करने के लिए उनके मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक हो गया, लेकिन सर आप जितना मर्जी रिफाइन करा ले, हर दफा कोई ना कोई कुत्ती छिका लगा ही रहता, सॉरी मैं लफ्ज मुझे बड़ा पसंद है, तो ऐसा डेटा कलेक्शन इतना गंदा काम है ना, दुनिया का सबसे औखा काम है, ऐसे ही बिल्कुल। आपने फर्ज कर लेते हैं 500 ब्रांचेस से, 500 ब्रांचेस से आपने 1500 बंदे को कहा जी मुझे एक डाटा भेजो, दो ही ऑप्शन है। पहले तो हम एक्सेल शीटें मंगवाया करते थे, अब गूगल शीट्स आ गई हैं। हम कहते हैं गूगल शीट बना दी है, इस गूगल शीट में डाटा डाल दो, लेकिन उसमें हमें फिर बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं, जिस तरह आप समझ सकते हैं, बैंकर समझ सकते हैं कि एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच का डाटा नजर नहीं आना चाहिए, फाइनेंशियल्स है, बहुत सारी सीक्रेसी इशूज होते हैं, प्राइवेसी इशूज होते हैं, तो ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो फेसबुक गूगल जितने पढ़े लिखे हो जाए, या उतने बड़े सॉफ्टवेयर लगा लें, या पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लें कितनी एडवांस हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आप एक्सेल में ही काम करते हैं, ऐसे ही है जी एग्जैक्टली। और वो एक्सेल में से रिपोर्टें निकाल के बनाना, इवन ERP इंस्टॉल हो जाता है उसमें से एक्सेल शीट निकलती है, फिर एनालिसिस बनते हैं, ऐसे ही है सर बिल्कुल सर बिल्कुल जी। आरिफ ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, डेटा कलेक्शन कैसे करनी चाहिए, उसमें प्रोसेस क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, मैं आपसे प्रैक्टिकली जब डिस्कस करूंगा तो फिर चलो। जुनेद यू आर विद अस? जुनेद की काफी देर से आवाज नहीं आई। यस सर, यस सर आपके साथ ही हूँ, सुन रहा हूँ।
बस ठीक, नहीं सुनना भी है, आपने बताना भी है कि समझ भी आ रही है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। अब ये देखें जी, उन्होंने एक एग्जांपल लिख दिया है कि डेटा कलेक्शन स्प्रेडशीट एक्सेल होती है, सीएसवी कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ये वेबसाइट से हो सकती है, और ये सॉफ्टवेयर जेसन फाइल होती है जो आजकल उधर यूज होती है जावा में, और इधर उधर फाइलें यूज होती हैं। ये टेक्निकल टर्म्स है, अभी आपने इस पे नहीं जाना, मैं इसमें आपको अभी घुसाना भी नहीं चाहता। हम इंशाल्लाह बिल्कुल सादा वे में हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। क्लीनिंग द डाटा, ये स्क्रैपिंग करेंगे हम? स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग नहीं करेंगे हम, लेकिन फाइलों से सारी स्क्रैपिंग करेंगे। ओके, सारी स्क्रैपिंग करेंगे जो डे टू डे हमें चाहिए, अदरवाइज कोर्स का कोई फायदा। देखो कितनी खूबसूरत शक्ल बनाई है उसने डाटा क्लीनिंग की जो हम डिस्कस करके आए थे। और ये रैंगलिंग करेंगे? रैंगलिंग, हाँ जी, रैंगलिंग, डाटा क्लीनिंग, माइनिंग सारा करेंगे। ये नाम बहुत मुश्किल मुश्किल है, आम बंदों को मैं समझा देता हूँ। डाटा रैंगलिंग, क्लीनिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें एक ही चीज का नाम है। सर एक बंदे की मैंने पोस्ट देखी थी पाकिस्तानी किसी ग्रुप में, तो वो जस्ट लड़का ना डाटा रैंगलिंग ही उसने सीखा हुआ है और वो काम कर रहा है, तो उसे ये फाइवर से यानी के काम मिला हुआ है $300 पर आवर पे मेरे ख्याल में। जनाब मैं यही बता रहा हूँ कि आप अगर आप ये कोर्स प्रैक्टिकली कर लेंगे ना, वो आप ही कर लेंगे, मैं आपको ऐसी रैंगलिंग सिखाऊंगा आप परेशान हो जाएंगे। ओके सर, ओके। आपने सोची नहीं होनी कि आपने जिंदगी में, पर रजा साहब मैं आपको एक चीज बहुत मजे की बताऊंगा कि अगर 150 बंदे से फाइल आए और वो 15 मिनट में कंसोलिडेट हो जाए तो कैसा लगेगा सर? अमेजिंग सर, मैं तो 10 बंदों से कंपाइल करते हुए मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सर, एक चीज दिखाता हूँ। चले अब आप सर मुझे सॉरी, हाँ हाँ बोलो, अरे बोलो, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुछ एडोबी से डाटा, आपकी आवाज ब्रेक होगी और पैन पाकिस्तान, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है। अच्छा, हमारे पास पैन पाकिस्तान से डाटा आता है, पूरे बैंक का डाटा होता है, ने उसके अंदर से सबसे पहले और अपने रीजन का डाटा अलग करने के बाद फिर हमें डिफरेंट, जिस तरह आप ब्रांचेस का कह रहे हैं, हमारे डिफरेंट एरियाज हैं, हमें डिफरेंट एरियाज का अलग करके डाटा फिर उन लोगों को देना होता है। वो उस पर जब काम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो सबका डाटा कलेक्ट करके तो कंपाइल करके फिर उसी फॉर्मेट पे जो एचओ का फॉर्मेट है वो फिर दोबारा उसी को प्रेजेंट उसी में करना है, और कोई चीज आगे पीछे भी नहीं होनी चाहिए, तो ये बड़ा एक हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो कैसा कैसा मजा आरिफ, कैसा मजा आए अगर आप ये काम इतना आसान हो जाए, जिंदगी बदल जाए, कैसा मजा आएगा? बिल्कुल सर, जिंदगी बदल जाएगी इससे तो। तो आपने कमिटेड रहना, मैं गारंटी दे रहा हूँ बदल जाएगी। शर्त यही है, शर्त यही है प्रैक्टिकल करना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे रोज नहीं तो हफ्ते बाद कॉल आती है कि बंदा दे दो, 1,00,000 रुपया ले लो, 1,25,00,000 ले लो, 1,50,000 रुपए सैलरी ले लो, बंदा दे दो इस काम के लिए। मेरे पास तैयार बंदे जितने थे मैंने सारे तोहफे दे दिए, अब नए बंदे तैयार कर रहा हूँ। सर मेरे जो है वो ये कोर्स ज्वाइन करने का मोटिव भी यही है कि मैंने गोल सेट किया है कि मैंने जितनी जल्दी हो ये लर्निंग करके तो मैंने जो है मतलब आगे जाना है इससे। बस मैंने मैंने तो पूरा गोल यही है, इंशाल्लाह देखते हैं, कमिटेड तो है इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह करेंगे भी। मैंने सिर्फ एक दिन कोर्स रखा है, तहसीन और ये सैरिश बता सकती है कि मैं पिछली दफा ये 2 दिन किया था, मैंने इस दफा 1 दिन रखा है कि यू पीपल कैन एक्सरसाइज फॉर 7 डेज और कंटिन्यूसली आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ऑन स्लैक, किसी को कोई मसला आ जाएगा आप मुझे वेले ही समझे, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, सो नाइस, ओके सर। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मतलब इतना वो स्किल्स भी दे रहे हैं साथ में एफर्ट भी कर रहे हैं हम लोगों को ये सिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली देखें कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो वो इस चीज के ऊपर पेन नहीं लेते,
कि कोई लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनका काम होता है कि उन्होंने सिखाना है और पैसे लेने हैं, दैट्स इट। और आरिफ, मैं एक बात बताऊं, मिस साइमा गवाह है, मिस साइमा हमारे साथ, सॉरी मोटिवेशनल, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। हमने तहसीन और ये सैरिश गवाह, हमने पहला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था। तहसीन ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सर, मैंने जब पोस्ट देखी थी ना, आपकी पोस्ट देखी थी, तो मुझे पता चल गया था कि आप जस्ट यानी के पढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि पैसे कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्री में कोई पढ़ता नहीं है। एक पाकिस्तान से एक बंदा है अमार, तो वो पाइथन का कोर्स भी करवाता है, डाटा साइंस का भी करवाता है, तो वो फ्री है। तो उधर मतलब कोई उसको, यानी कि मैं खुद भी उसमें इनरोल हुआ था, लेकिन मैं वो क्लासेस नहीं ले पा रहा था। उसकी वजह ये होती ना कि हमारे साथ हुआ, रजिस्टर 60-70 हो जाते हैं, लेकिन इस दफा हमने पूरा प्लान किया था, जो लोग सीखने वाले हैं ना वो हमें ज्वाइन करेंगे, ताकि हम उनको कुछ सिखा। और सर अगर आप में से ये 17-18 लोग सीख जाते ना, एक तो सदका जारी है, क्योंकि हदीस है कि जो आपने सीखा है ना वो आप सिखाए, तो ये सबसे बड़ा सदका आपके मरने के बाद। तो सर हमारा पर्पज, आप, मैंने मिस साइमा को ज्वाइन इसलिए किया था जो डिफरेंटली डिसेबल्ड या एबल्ड लोग हैं, हम उनको ट्रेन कर सकें, वो कुछ कमा सकें और उनका सवाब हमें मिल सके। अदरवाइज मैं बिजनेस इंटेलिजेंस हेड हूँ बीकन हाउस में, मिस आयशा हमारे पास ही होती थी। तो इस वक्त मैं आपको अभी एंड पे थोड़ा सा दिखाऊंगा भी कि मैं इस वक्त काम कर क्या रहा हूँ, ताकि यू पीपल गेट क्रिस्टल क्लियर कि हम किसी लर्निंग फेज पे पहुंच के जाएंगे। और मैंने आज का पूरा लेक्चर इंट्रोडक्टरी के साथ, कुछ इंट्रोडक्टरी के साथ प्रैक्टिकल भी इसलिए ऐड किया है कि आप लोगों को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है जूम की सेशन होता है, ट्रेनर 2 घंटे बोलता है, घर चला जाता है, ऑनलाइन लर्निंग का रिजल्ट 0 होता है। तो हमारा ये बिल्कुल पर्पज नहीं है, हमारा टोटल पर्पज है हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो आप लोग सीख रहे हैं। अगर आप में से हमारी इस ट्रेनिंग के बाद 10-15 लोग भी अपनी जॉब के अंदर इमीडिएट ग्रोथ आ जाए ना, तो हमारे पैसे पूरे हैं। और मैंने मिस साइमा को कहा था कि 1500 रुपए जो हैं वो हम एंड पे वापस कर देंगे जो लोग सारे सेशंस लेंगे। पर्पस क्या है? पैसा नहीं था, पर्पस था कि जो हमें अटेंड, जो पैसे देगा ना वो कोशिश करेगा अटेंड भी करे, अदरवाइज लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो हमारा पर्पस फॉल्ट हो गया। अब आप सारे देखिएगा, रजा साहब आप एक चीज देखिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आया था। रजा साहब ये मैं इसको व्यू चेंज करता हूँ, इधर गया व्यू, स्मॉल स्मॉल आई। रजा साहब ये कितनी फाइल्स है, ये नीचे नंबर आ रहा है, नजर आ रहा है? 98। रजा साहब से भी पूछना चाहता जी, 98 जी सर नजर नहीं आ। अच्छा चले 98 है, मैं ऐसे कैलकुलेट करके भी बता दूं, ये 98 आइटम्स लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे, 98 आइटम्स विंडो के ऊपर आ रहा है। आरिफ आरिफ ये 98 फाइल्स है ना, ये समझ लो 98 ब्रांचेस हैं। मैं एक फाइल खोल के दिखाता हूँ, आप समझ लो ये 98 ब्रांचों से डाटा आ रहा है। ये डाटा देख लो आप, ये देख रहे हैं सर रजा साहब? जी जी सर। सर इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप इसको पढ़ने बैठ जाए ना तो आप पागल हो जाए। और मजे की बात यह है कि अगर आपको डेली ये 98 फाइल्स 98 ब्रांचेस भेजे और आपने डेली इसकी एक कंसोलिडेटेड फाइल बनानी हो, और उस कंसोलिडेटेड फाइल को आपने सर कोई डैशबोर्ड की शक्ल देनी हो जिसमें से कोई रिजल्ट नजर आ जाए, और आपने ये रिपीट करना है डेली, और सुबह आपके पास 9:15 बजे आपने 200 ब्रांचेस को वापस भेजनी है जिससे वो अपना दिन स्टार्ट करेंगे। तो सर इस टोटल काम को डेली करने के लिए कितने के बंदे चाहिए होंगे? सर ये तो हर ब्रांच के लिए एक बंदा हो कम से कम, अगर नॉर्मल फेस की बात करें तो कम से कम भी जो है वो 5 बंदे जरूर चाहिए होंगे। ऐसे है ना सर, असल 5 बंदे तो सिर्फ इसको एक फाइल में कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, उसमें एरर के चांसेस देखें कितने होंगे। कोई कॉलम आके पीछे, कोई कॉलम इधर उधर हो गया तो गया सब कुछ।
सर उसमें फिर सेकंडली ये होता है कि जितने लोग होंगे क्योंकि सबकी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो आपकी जब ट्रेनिंग नहीं होती तो आपको उसमें प्रॉब्लम आती है डाटे को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने में। कोई फॉन्ट बड़ा रखेगा, कोई छोटा रखेगा, कोई कैप्स में लिखेगा, मतलब वो डाटा फॉर्मेशन जो है ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये सेशन रखे इसलिए। उमर एंड टीम, आपके साथ भी ये इशू आते हैं कि नहीं आते? या बहुत ऑटोमेटेड स्मार्ट हो गए? नहीं इतने भी हम इतने स्मार्ट अभी नहीं हुए, स्मार्ट होने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेहतरीन हो गया। एक सवाल ये है कि ये टेम्पलेट डिजाइनिंग के बाद ही ये चीजें पॉसिबल होंगी ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमें डिजाइन करना पड़ेगा, डाटा किस तरह जो है हमने उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर पेस्ट करके फिर उसको आगे कैरी ऑन करना है। और अगर अगर उबैर मैं कहूँ कि आपको 200 ब्रांचेस से एक 200 फॉर्मेट आते हैं लहदा लहदा और डेली वही आते हैं, ठीक है? आप दो तरीके है ना, देखो एक चैलेंज आ जाता है कि आप एक फॉर्मेट बनाएं और 200 ब्रांचेस को ट्रेंड करें, ऐसे ही है जी सर, और उनके बंदों को ट्रेंड करें, फॉर्मेट समझाएं और मतलब उनको कम्युनिकेशन करेंगे तो उनको फॉर्मेट सिखाएंगे ना जी, ऐसे ही पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। हाँ जी, और उसमें कॉस्ट टाइम इन्वॉल्व, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ रह जाएगी, कोई सीखेगा कोई नहीं सीखेगा, जो आरएफ के मसले हैं वो चलते रहेंगे। ऐसे ही सर। क्यों जी, इधर स्क्रीन के भी ऐसे मसले हैं? बिल्कुल, और मेरे मसले तो काफी हद तक हमने हल भी किए हैं इसी इन्हीं सॉल्यूशंस और चीजों को, बट द हैपनिंग पार्ट इज के अब उसको अपने हाथ से करने का और सीखने का मौका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिस आयशा भी मेरा ख्याल है कि इन्हीं चीजों को अब सीखने के लिए हमारे पास आई है। क्यों मिस आयशा तारिक? मेरा ख्याल है उनको आवाज नहीं गई। फजीला आप हमारे साथ हैं? यस सर, साथ हूं। आपको कुछ समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं गुजरा? जो अभी लास्ट में जो बातें हो रही थी वो ऊपर से ही गुजर रही थी, बाकी स्टार्टिंग का सारा समझ में आया है। वो भी आपको समझ आएगा जब आप लैपटॉप पे बैठ के काम करेंगी और कोऑर्डिनेशन में रहेंगी तो आपको सब समझ आएगा। रजा साहब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा, बल्कि सब देखिएगा, आरिफ आप भी देखिएगा। जी सर। मैं यहाँ पे पोस्टेड ये देखे, एक फाइल खोलेगा, ये एक फाइल नजर आ रही है जी? जी सर। जी आ रही है सर। जी सर आ रही है। जी सर, सर इसमें रोज है 137,960 रोज है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और मजे की बात ये है सर कि ये जो है ना वो जो 98 फाइलें दिखाई थी ना, वो डेली फाइलें मेरी टीम के पास आती हैं, वो उसको उस फोल्डर में सिर्फ एज इट इज सेव कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे एक बटन मैंने बनाया हुआ रिफ्रेश का, वो रिफ्रेश का बटन दबाते हैं। ये नीचे एक रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी नजर आ रही है किसी को? जी जी बिल्कुल आ रही है नीचे कॉर्नर पे। सर ये क्वेरी मैंने एक बनाई हुई है, करती क्या है सर? एक क्वेरी सर। जी जी तस्वीर सर, आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे हमें? बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे सर। वो मेरे ना ये मैं विलेज आई हुई हूँ, यहाँ पर उसका लाइट का थोड़ा इशू है मेरे मोबाइल में ना, चार्जिंग बिल्कुल खत्म होने वाली है। नहीं नहीं आपको आ जाएगी, आप इजी हो जाओ, आपको वीडियो आ जाएगी रिकॉर्डिंग, आप जाना है। मैंने क्लास पूरी लेनी थी लेकिन वो मेरे चार्जिंग खत्म होने वाली है, मोबाइल मेरा बंद हो जाएगा। चले नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है कि इस क्योंकि लाइव में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इट्स ओके। आप दो दिन के लिए आई हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह जब अपने घर चली जाऊंगी ना फिर वहाँ पर कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। बस ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर ये एक छोटी सी चीज है, ये आपको नजर आ रही होगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑफिस 2016 जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा,
ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि लेटेस्ट फाइल यहाँ पे, एक मिनट ये अभी घूम जाए, मैं आपको दिखाना चाह रहा था रजा, खास तौर पे आरिफ जिन लोगों को ये डाटा, उमेर एंड टीम भी, उनको भी दिखाना, मैं इसको कैंसिल ना कर दूं, इसकी रिफ्रेशिंग कैंसिल कर दूं, मैंने ऐसे ही उसको कर दिया हाइड वोटिंग। अच्छा जी आरिफ फॉर एवरीवन प्लीज इसको जरूर सारे देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, जुनेद ये है वो जो चीज आपने सीखनी है, ये वो सारे स्टेप्स हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो मैंने खोला है ना, ये पावर क्यूरी है जो पावर बी आई डेटा स्टूडियो टेबल्यू बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज होती है डेटा, मतलब जिसमें आपको कोडिंग नहीं सीखनी पड़ती, लेकिन आप पीछे कोडिंग सारी हो रही थी, जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू में जाके इसके पीछे ये कोडिंग नजर आ रही है, ये आपने सीखनी नहीं है, ये सारी कोडिंग, ये सारी कोडिंग ये पावर क्यूरी करेगी, नहीं नहीं हुई नहीं हुई, ये क्यूरी खुद करेगी आपके लिए, सिर्फ जिसको समझ है ना वो इसको चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं प्रोग्रामर भी हूँ तो मुझे ये पता है ये क्या हो रहा, तो मैं ये चीज खुद भी कर सकता हूँ, तो आप लोग जो हिम्मत करेंगे थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिएगा आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 31/1/2014 यस बिल्कुल सर, ये वो एक एक्सेल फाइल है जो पीछे फोल्डर में पड़ी हुई है, ये दूसरी फाइल है, ये तीसरी फाइल है, इस तरह से 98 फाइल्स इसके अंदर मैंने पहले इंपोर्ट की हुई है, मतलब इंपोर्ट से मराद है मैंने एक जगह उसको प्रोसेस बनाया हुआ है, बहुत कुछ करने के बाद ये नजर आ रहे हैं जी, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि डेटा माइनिंग क्लीनिंग और उसकी रैंगलिंग है, जिसपे जुनेद आप कह रहे थे ना वो पैसे कमाता है, ये वो वाले स्टेप्स हैं सारे, ये वो स्टेप्स हैं सारे जो के आरिफ आपको मैं सिखाऊंगा, आप लोग सीखेंगे, आप लोगों ने एक दफा बना, आपने एक दफा बना के रख लेने फाइलें फोल्डर में, ओवरराइट कर देनी है, रिफ्रेश करना, सब कुछ तैयार, आउटपुट फॉर्मेट भी तैयार, सब कुछ रेडी, और शेयरिंग भी हो जाएगी, कोई कमी कोई नहीं। तो ये मैंने एक सैंपल दिया, अब ये अब एक और चीज दिखानी है आप लोगों को, इस डेटे को देख के कोई चीज समझ आ रही है, जुल्फकार साहब आप भी देखिएगा, आपको इस डेटे को देख के, ये जो इतना डेटा है आपने ये लिखा हुआ है, ये भी एक कलेक्शन प्रोसीजर है, हमारे पास भी एक सिस्टम है, हमने डेवलप किया हुआ है, 200 स्कूल्स हैं, वो अपने अपने स्कूल में डेटा की एंट्री करते हैं, वहां से डेटा एक सॉफ्टवेयर में जाता है, सॉफ्टवेयर में वो मुख्तलिफ चीजों की शक्लों में आता है, वो फिर मेरी टीम डाउनलोड करके एक जगह रखती है, मैं फिर उसके ऊपर प्रोसेस बना के देता हूँ, सारे प्रोसेस ठीक हो जाते हैं, फिर उसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद इस तरह की पहले एक फाइल बनाते हैं, ये नजर आ रही है, इसको हम मास्टर फाइल कहते हैं, ये उन सारी चीजों को कट्ठा कुठा करके हमने ना ये डेटे की वो जो इंजीनियरिंग वो लिखा हुआ था ना उधर इंजीनियरिंग, ये वो सारी इंजीनियरिंग है डेटा मॉडलिंग, ये करने के बाद, हाँ जी ये सब कुछ करने के बाद भी ये जो चीज आप देख रहे हैं इसका अभी भी टके का फायदा नहीं, इसको देख के कोई चीज मुझे बता सकता है कि है क्या, किसी को फर्स्ट व्यू में समझ आती है ये है क्या, आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या, जब तक इसको जब तक आप डिटेल में समझेंगे नहीं। जी सर फर्स्ट हैंड पे तो जस्ट ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है कि कौन सी क्लास का कौन सा ईयर और मतलब, हाँ बस फिलहाल तो यही जनरल एक चीज समझ आ रही है। और इसी 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 शक्ल को टेबल को अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ जिसको एंड पे फॉर्म था डेटा विजुलाइजेशन। जुल्फकार साहब आप है ना हमारे साथ सर? जी जी सर मैं हूँ आपके साथ। बेहतरीन सर, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा होता हूँ। अच्छा जी अब आप लोगों ने जरा गौर से देखना है, ये जो आप डेटा देख रहे हैं ना, इस डेटे की विजुलाइजेशन मैं आपको दिखाने लगा हूं जो मैंने बनाई हुई है। ये एक एग्जांपल, ये उसकी नजर आ रहा है जी,
जी सर जी जी बिल्कुल आ रहा है। अब आप देखिएगा जी सर, नीचे नीचे बहुत सारे ग्राफ नजर आ रहे हैं आपको? जी सर बिल्कुल आ रहे हैं। यस सर। अब उस डेटे को कितने एंगल से देख सकते हैं हम, ये सोचना था। जो पहला स्टेप था ना, जो पहला स्टेप था business. ये वाला बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये यहां से शुरू होती है स्टोरी। आपने खत्म कहां पे करनी है, आके यहां पे खत्म करनी है कि मैंने समझ लिया था, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप करें क्या। अब आपको मैं दिखाने लगा हूं, यहां पे पिछले 2014 से लेके 2022 का आपको डाटा नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। अब मैं जिस अब मैं एक चीज करता हूं, ये 21 है, मैं 14 कर देता हूं। अच्छा सर, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी जी आ रही है। सर मुझे ना 10 मिनट की ब्रेक चाहिए, मैं ना मगरिब की नमाज पढ़ के आता हूं। हाँ जी हाँ जी, आप पढ़ के आ जाइए, हम जारी रखते हैं, वीडियो तो चल ही रही है। ओके ओके सर। रजा साहब आप देख रहे हैं? जी जी सर। सर अभी देखिएगा, क्योंकि डाटा सर बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी आप देखिएगा सर, ये देखिए, ये मैंने 14 से लेके 21 तक का पूरा डाटा दिखाने की कोशिश की है। यहाँ से नजर आ रहा है? जी सर बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अब मैं एक महीना लेता हूँ, एक साल लेता हूँ 2021। अब ये पूरा आप समझ सकते होंगे, जो काम करते हैं ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि हर महीने में स्टोरी किधर को घूम रही है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है इसका। यस। और इसमें आरएफ और बाकी लोग देखे, ये आप समझ लें आपकी बैंक की सारी ब्रांचे हैं। आपने एक ब्रांच, मैं एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेता, अब ये नीचे हर चीज उस ब्रांच की आ जाएगी। आगे जी, सारे ग्राफ उस ब्रांच के हैं। अब मैं दो ब्रांचे इकट्ठी भी देख सकता हूं, मैं 50 इकट्ठी देख सकता हूं। अच्छा जी, मैं इसको छोड़ देता हूं। मैं पूरा मैं प्रोविंस वाइज देख सकता हूं, मैं सिटी वाइज देख सकता हूं। मैंने उसमें कुछ क्लासेस होती है क्योंकि हमारा है, तो क्लास वाइज देख सकता हूँ, हर क्लास के अंदर देख सकता हूँ, रीजन भी देख सकता हूँ। देख रहे हैं जी, मैं महीना भी देख सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ जनवरी टू जनवरी ट्रेंड देखना चाहूंगा ना, तो मेरे पास सिर्फ जनवरी टू जनवरी ट्रेंड भी आ जाएगा। आ गया जी? जी सर। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना, ये है डेटा विजुअलाइजेशन। ये मैंने डेटा स्टूडियो में यहाँ पे बनाई हुई है। इसी तरह आप बहुत सारे टूल्स हैं, एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, बल्कि आप लोगों को, क्योंकि टूल्स जो है ना वो आप कोई भी सीख सकते हैं, टूल्स का मसला कोई नहीं होता, टूल्स तो आप कभी भी सीख लेते हैं, आपने बाकी चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ एक चीज और दिखा दूँ, वो डेटा गूगल डेटा स्टूडियो था। अगर ये लफ्ज आप नहीं सुने तो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं, मैं आपको एंड पे आपको पावर बी और गूगल डेटा स्टूडियो में भी काम करना सिखाऊंगा कि जहां तक आपको फायदा दे सके, जितना दे सके। ये पावर वो डेटा स्टूडियो है, ये पावर बीआई है, जो शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल इसका बहुत नाम चलता है, हर तरफ यही नाम चल रहा है। जी सर, मेरा एक सवाल है, ये पावर बी आई जो डेस्कटॉप मॉड्यूल है, ये पेड है? मैंने अभी 60 डेज ट्रायल चल रहा था, लेकिन इसमें इशू ये होता है कि जब आप इसको पेड ले लेते हैं तो जिस बंदे को भी आप देंगे ना, उस बंदे के पास भी लाइसेंस होगा तो वो देख सकता है। अच्छा। तो इसलिए पावर बी आई ऑर्गेनाइजेशन लेती है। उससे होता क्या है, अब उमेर ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो आरिफ ने देखनी है या रजा साहब ने देखनी है, तो वो उस पे आपकी आवाज
बंद हो गई, स्टक हो गया सर, हैंग हो गया आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में कोई नेटवर्क उनका नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी सर, जी सर, आ रही है, आ रही है, वो मैं वो हो गया था, मेरा नेट अल्लाह जाने कहता जी कि नेट बंद हो गया था, दोबारा से आ गया। एक मिनट इसको सिर्फ पब्लिश होने दे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको उतनी देर बता रहा था कि पावर बीआई में आप जो भी चीज बनाते हैं ना, वो आप शेयर नहीं कर सकते, एक्सेल में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको लाइसेंस परचेज नहीं करते। तो मैंने इसलिए आपको ये डेटा स्टूडियो दिखाया है कि डेटा स्टूडियो फ्री है, अभी फ्री है। आप इसमें रिपोर्ट बना के, जो आरिफ कह रहे थे जो कि मैंने वापस एक भेजनी होती है, इस चीज को कैसे शेयर करना है, कितने लोग देख सकते हैं, मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। आरिफ, इस पे हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास 1500 यूजर्स हैं, ठीक है, जिनको डेली सुबह 9:30 बजे ये अपडेटेड रिपोर्ट जानी है, ठीक है, ठीक है। अब 1500 यूजर को दो तरीके थे, हम पहले मैक्रोज लगा के ना ईमेल करते थे। मैंने पिछले साल ये चीज सीखी और मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब एक ही रिपोर्ट है, उसके ऊपर हमने ऐसी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि वेबसाइट पे जिस तरह एक यूजर अपनी चीज देख सकता है ना, इसी तरह यहाँ पे भी एक यूजर अपनी ही रिपोर्ट देख सकता है सर। राइट, अब आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं लेके आता, आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये पावर बीआई है, उधर वो उस तरह से डाटा स्टूडियो में काम होता है, इसमें इसमें भी वही चीजें सारी चल रही है, ये देखो। अच्छा, मैंने इधर फिल्टर एक लगाया हुआ है, फिल्टर खत्म कर दिया, ये देखिए, ये अभी ये भी लाइव चल रही है, ये वेब के ऊपर है। उमेर, आप पूछ रहे थे ना, यहाँ पे भी आप देखें, वही रिपोर्ट है, उसी के उसी का डाटा सेट है, वही सारा यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी, सॉरी मैं बोल ही जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर ही नहीं है। जूम साहब किधर गए आप? स्क्रीन शेयर आगे हूँ सर मैं, आगे वेलकम। चले, अभी हम मेरा भी नेट बंद हो गया था, मुझे भी 5 मिनट लग गए। अब आ रही है जी स्क्रीन नजर? जी सर आ रही है, एडमिशन भी आ रही है, ठीक हो गया। उमेर नजर आ रही है? जी सर आ रही है स्क्रीन। अब आप देखें, ये देखिए, ये पावर बीआई का डैशबोर्ड है, वो डाटा स्टूडियो में था, ये पावर बीआई में आपको नजर आ रहा है। ईयर्स आप कोई भी कोई जो भी फिल्टर्स लगाने, लेकिन ये आखिरी स्टेज है विजुलाइजेशन, ये आखिरी स्टेज है विजुलाइजेशन की डाटा, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज जो है ना वो हम उधर करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर हाइड करते यार सर। ये आजकल एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में भी सुन रहे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एयर टैब के नाम से स्प्रेडशीट है। तो ये गूगल स्टूडियो और एयर टैब तकरीबन एक ही चीज है? मैं आपको वही बताने लगा था कि जो टूल्स है ना मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, हाईसेंस अवेलेबल है, इलास्टा अवेलेबल है, डाटा स्टूडियो अवेलेबल है, पावर बीआई अवेलेबल है, ये सारे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, लेकिन असल जो 80% डेटा साइंस है ना,
वो ये है कि आपने बैकएंड पे जो डेटा बनाना है वो डेटा आएगा किस शक्ल एंड फॉर्म के अंदर। ये मैं आज एक बना रहा था, बल्कि मैंने सुबह ये मीटिंग है तो मैं ये बना रहा था। ये देखें, ये पिछली दफा मैंने इन तीन को बनाना सिखाया था। मैं इसको देखें, ये सिंपल मैंने एक सिंपल पिवट टेबल लगाया हुआ। मैं पिवट टेबल में एक के पे क्लिक करता हूँ, मेरा सारा डेटा उसका फिल्टर हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरा सारा डेटा, ये सिर्फ एक एक्सेल का एक्सेल में एक तो मैंने पिवट टेबल लगाए हुए। कैन यू सी? जी सर, देख सकते हैं ना कि मतलब आपने, आपके क्या होता है, आपने फर्ज करो ये एक रीजन है, इसकी रिपोर्ट भेजनी है, इस पे क्लिक किया, कॉपी पेस्ट किया, भेज दी। नहीं तो आपको बार बार बनानी पड़ती है। दूसरा आपने इस पे क्लिक किया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, आपने इकट्ठा देना है, सारा इकट्ठा हो गया। आपने एक साल को देना है, दो साल देना है, तीन साल देना है, चार साल देना है। आप कहते हैं नहीं मुझे सारे साल देने हैं, मुझे एक साल देना है, और नीचे सारा डाटा डायनेमिक चेंज हो रहा है। ये सिंपल पिवट टेबल लगाया मैंने आजाद, मैंने देखना है जी 2022 में सिर्फ आजाद कश्मीर डाटा चेंज हो गया जी। यस बिल्कुल, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद आ गया आपके सामने। ये एक सिंपल एक्सेल शीट है, लेकिन इसके पीछे वही देखे, ये वही डाटा मैंने उसी डाटा को आपको दिखा रहा जो मैंने अभी उधर दिखाया। इस पे आप पंजाब देख ले, जो आप कहते हैं मैं पंजाब के अंदर आठवें महीने में इस रीजन के 19वां साल देखना या 18वां ये देखना चाहता हूँ, वो डाटा उसके हिसाब से एडजस्ट होता जाए। आप कहते सारे साल दिखा, तो जो विजुअलाइजेशन है मैं वो सिंपल 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 एंड रिजल्ट है। असल मेहनत क्या है, आपने इस शक्ल में डाटा लेके आना है पहले। जब इस शक्ल में डाटा आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर सकते हैं। और इस शक्ल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको फाइलें नजर आ रही हैं? जी सर। रजा साहब आप भी देख रहे हैं फाइलें सर? जी जी सर। सर ये डेली, ये सारी डेली फाइलें मेरी टीम सिस्टम से डाउनलोड करके रखती है और एक्सेल में सिंपल रिफ्रेश करती है, और रिफ्रेश करने के बाद एक फाइल बनती है। वो फाइल उसको मैंने बना के उनको दिया हुआ कि वो सिंपल एक काम करें। मैं आपको दिखाता हूँ, जो उधर फाइल दिखा रहा था ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये एक वो उधर फाइल तैयार हो जाती है रिफ्रेश करने से। वो टीम यहाँ पे जाती है, फाइल पे इंपोर्ट का बटन दबाती है, फाइल वहां से जहाँ हार्ड डिस्क पे पड़ी है अपलोड करती है। और सर ये डेली डैशबोर्ड उसी वक्त टोटल 5 मिनट में अपडेट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि 200 ब्रांचेस से डाटा आता है, वो डाटा लैंड करता है, लैंड करके डाउनलोड होता है, प्रोसेस होता है, फिर अपलोड होता है, और अपलोड होने के बाद ये डैशबोर्ड बन जाता है। और अब अगली बार दूसरे डैशबोर्ड पर दिखा, इसमें दिखा, ये मैंने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छी होता है। अब इसमें देखे जो आरिफ आप कह रहे थे ना वापस भेजना होता है, जी सर ये देखो इसमें ऑप्शन क्या है, ये नजर आ रहे बंदे नजर आ रहे? जी सर आ रहे। ये हर बंदा अपना अपना डाटा देख सकता है। फर्ज करो एक मुल्तान ब्रांच में बैठा है, एक पिंडी ब्रांच में बैठा है, एक किसी ब्रांच में बैठा है, एक कुसी ब्रांच में बैठा है। वो एक ही डैशबोर्ड होगा, वो जब अपने ईमेल एड्रेस से इसको ओपन करेगा ना, उसको सिर्फ अपनी ब्रांच नजर आ रही होगी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जितने डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये सारे मैनेजमेंट के डैशबोर्ड्स हैं। जो ये इसमें कोई 40 हो गए, इसमें 40 हो गए, ये डेली में ये सारी शीटें हैं जो मैंने रखी हुई। ये डेली की डेली चीज होती है, और मेरी टीम टोटल ये सारा काम 2 घंटे में करती है।
और ये पूरे बीकन हाउस में 1500 लोग यूज कर रहे हैं और मेरी सारी मैनेजमेंट इसको यूज करती है और इसकी बेस पे हमारे सारे काम चल रहे हैं। ग्रेट जी, वेरी ग्रेट सर। आपने बहुत सारे की पंचिंग ऑफिसर्स की नौकरियां जो है ना वो खत्म कर दी, सॉरी टू से। नहीं आप सही समझे हैं। और मैंने अभी आज एक और काम किया है, जो मैं गूगल शीट अपडेट करता हूँ ना वो मैंने बंद कर दी, मैंने यहाँ पे लोकल ड्राइव पे ये बना ली है, मैं वो फाइल इधर ऊपर ऐड करूंगा माई ड्राइव पे करूंगा और उधर खुद ही अपडेट हो जाएगी, मुझे वो भी नहीं करना पड़ेगा। राइट अब मैं जूम ढूंढ रहा हूँ, जूम किधर गया? जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो नजर ही आ जाए, मैं आप लोगों को देखना चाह रहा हूँ। आप जहां पे ये अपनी वीडियो देख रहे हैं या किसी की वीडियो या ऑडियो आपको कहीं कोने पे नजर आ रही हो तो आप उसको क्लिक करें। मुझे वही तो नजर नहीं आ रही, मैंने उसको मिनिमाइज किया था ना। मिनिमाइज मजे की बात है, मजे की बात है, कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा से स्लैक से क्लिक कर लेता हूँ, इतना ही नहीं, इतना ही मुझे कह रहा लीव मीटिंग, जबकि मैंने लीव क्यों करनी है भैया। मिस साइमा आप इधर ही है? जी जी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बस ये चेक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल चल रही है, रिकॉर्डिंग रहेगी। क्या हुआ? आ गया आ गया आ गया, ये आ गया। जी जी 953। तो हम, मैं ना आप लोगों को, अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक चीज बनाई थी, मैंने आपको दी नहीं है। मैं आप लोगों को, अगर ये मैंने ना अभी नेट से डाउनलोड किया, ये मेरा डाटा नहीं है, ये नेट से डाउनलोड की है, ये मैंने एक सैंपल फाइल अभी आप लोगों से पहले मैंने डाउनलोड की थी। अगर मैं स्लैक पे ये फाइल भेजूं, इसके अंदर बहुत कुछ है, तो जिसको जितनी की समझ आती है इसके ऊपर कोई, ये सारे प्रोसेस करके, ये वाले प्रोसेस करके वापस मुझे भेज सकता है? मैंने शेयर हो रही, अब हो रही है, नहीं आ रही है, अब आ गई। जी जी अब आ रही है, जी सर आ गई। मैंने ना अभी नेट से कहीं से ये एक फाइल डाउनलोड की थी सैंपल आप लोगों को एक्सरसाइज देने के लिए, कि ये एक डाटा है, मैंने ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जिसमें ये साल भी है, महीने भी है, कुछ नंबर भी है, डेट भी है, प्रॉफिट भी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है। अगर मैं ये फाइल स्लैक पे आप सब लोगों से शेयर करूं तो ये वाले स्टेप्स इस पे अप्लाई करके आप लोग कोई विजुअलाइजेशन बना के शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले? सर आप ये शेयर करें, ये सर शेयर करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ इसमें से बेहतर। सर जी काम तो बड़ा मुश्किल है। शो वीडियो पैनल मुझे देखने दो ना, मुझे समझ नहीं आ रही किसने मुश्किल कहा किसने आसान कहा, मैं देखना चाह रहा हूँ। अब बताएं जी किसने मुश्किल कहा था? मैंने सर, मैंने कहा था। लो सीखना भी और मुश्किल भी है, ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी है आपने। नहीं सर मतलब हम करेंगे क्या है इस शीट को, मतलब कैसे? चले मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सादी सी एग्जांपल देता हूँ, आप जब तजर्बा शुरू करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता, अभी आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा ना? कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सिर्फ जर्मनी और डॉलर नजर आ रहा है। चले मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सादा सा एक काम किया है, मैंने अभी सबसे पहले देखना है कि कितने कंट्री हैं, इधर से पता लग रहा था कितने? नहीं, तो यहां से पता लग गया कितने? पता चल गया जी, पिवट लगाया आपने तो पता लग गया।
लग गया ना, ये एक विजुअलाइजेशन है कि हमें फौरन पता लगे इस डेटे में कितने कंट्रीज हैं। ठीक है, मैं एक और काम कर लेता हूं, मैं देखता हूं सेगमेंट कितने, कितने सेगमेंट है जी? पांच। मैं देखता हूं हर सेगमेंट, फिल्टर ओपन कर, मैं कहता हूं जी हर सेगमेंट में कितने कंट्री हैं, मुझे ये देखना है। हाँ नजर आ रहा है जी? हाँ जी जी सर। अगर सर अगर कंट्री के नीचे सेगमेंट कर दें। यस मैं रिवर्स कर दिया। और टोटल सेगमेंट सर कितने हैं? टोटल अगर कंट्री 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 रिमूव कर दें अगर। हाँ जी बिल्कुल रिमूव कर दें तो आपको सेगमेंट पांच है, सेगमेंट भी पांच है, इसी तरह कंट्री है। लेकिन और इसे अभी इसे इंफॉर्मेशन निकलना है। अब देखते हैं जी प्रोडक्ट्स कितनी है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं जी? पांच पांच छह प्रोडक्ट। मैं देखता हूँ हर कंट्री की कितनी प्रोडक्ट्स हैं। नहीं ये डिपेंड करता है किस कंट्री की मिसिंग भी होगी। नहीं हो सकती है, लेकिन एक तो हमने सैंपल बनाया ना। जी जी एक सैंपल बनाया ना जी। अच्छा मैं देख लेता हूँ, फर्ज करो हर कंट्री की सेल्स कितनी है, आ गई? यस सर। मैं कहता हूँ हर कंट्री की ईयर वाइज सेल कितनी है, आ गई जी? यस सर। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ हर कंट्री की मार्केट बता दो। हेलो 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 आवाज 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 जी सर सुन रहे हैं? ठीक है ये मेरे पास आ गई। माइक अपना ऑफ करें, बहुत आ रही सबको बात। ठीक है अब यहाँ पे आ रहा है कि हर मुल्क की हर साल में हर महीने में कितनी सेल है, टोटल कितनी है? जी बिल्कुल आ रही है। तो ये अभी मैंने तीन एंगल दिखाए आपको, इसको चले बाहर निकाल देते और देखते हैं। पहले हम देखते हैं यहां से डेटे में देखते हैं क्या। मैं देखना चाहता हूं कि हर मुल्क ने कितने यूनिट बेचे हैं। मैं यहां पे कंट्री डालता हूं, किधर गया कंट्री, और यूनिट सोल्ड किधर है, ये यूनिट सोल्ड ये मैंने डाले। ये आगे जी कितने यूनिट किसने बेचे मैं ये देख सकता हूँ क्रॉस से। नहीं यूनिट तो आ गए ना, आ गए कैनेडा, कैनेडा ने कितने यूनिट बेचे हैं और कितने पैसों में बेचे, आ गया जी सर? और मैं देखता हूँ उसने किस किस प्रोडक्ट में बेचे हैं, आ गया बिल्कुल सही। मैं देखना चाहता हूँ कुछ भी नहीं, मैं एक और चीज देख लेता हूँ। मैं फर्ज करें ईयर ऊपर डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ इधर दिखा दो तुम, ईयर भी इधर ही दिखा दो, ईयर वाइज आ गया, ईयर वाइज कितने यूनिट बिके हैं और कितने में बिके, आ गया टोटल भी आ गया, ईयर भी आ गया, उसकी प्रोडक्ट भी आ गई, मैं उसमें सेगमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। मैं सेगमेंट ऐड कर देता, आ गया जी। मैं प्रोडक्ट नीचे ले जाता, अब समझ आई मैंने क्या कहा है कि आप इस डेटे को, आपने इस डेटे से ये वाला काम करना है। किधर गया सवाल पूछ रहे हैं ये, किधर गया सवाल, किधर गया सवाल, ये सवाल पूछ सकते हैं इस डेटे से? बिल्कुल पूछ सकते हैं सर जी। मुझे बंदे किधर है, बंदे को आ जाते। यस सर यस सर सुन रहे हैं। ये बंदे इधर आए ना जी। जुनेद आप समझ आई स्टैटिक के साथ क्या करना है? सर समझ आ गई है इसकी, लेकिन ये फिर सेव सेव कैसे, यानी कि हम करेंगे या फिर नेक्स्ट आपको कैसे दिखाएंगे कि हमने ये काम किया है? आपने स्लैक पे भेजना है, इसलिए स्लैक बनाया है, जो जो करेगा वो स्लैक पे भेजता जाए। मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन देता है फाइल्स, फाइल्स की भी ऑप्शन है कहीं पे, मैंने देखी थी, मैं वो फाइल देख सकता हूँ कि जो जो फाइल भेजेगा ना मैं फाइल को देखूंगा, फिर मैं देखूंगा किसने कितनी चीज का सवाल पूछा है, कितना उसको समझ आई है, फिर हम उसके साथ आगे स्टेप। नहीं सर अब मेन यही है कि इस डाटा में से हमने यही निकालने कि कितने कंट्रीज हैं, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं। नहीं 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 आपने ये नहीं निकालना,
आपने इस डेटे से जो दिल करे वो निकालना है, उससे मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। सवाल सिर्फ ये जो एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं इसमें, जो जिसको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो मैक्सिमम डेटा जो निकाल सकता है इसमें से, वो निकाल के अपना प्रेजेंट करना चाहिए। आप समझ लें कि ये एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, उस कंपनी ने आपके सीईओ ने कहा है कि मुझे पूरे साल दो सालों के डेटे की प्रेजेंटेशन दो। आपने डेटा प्रेजेंट करके उसको बताना है कि आपने बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी बेची है, किस में फायदा है, किस में नुकसान है, किस महीने में क्या हुआ था, जो कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हैं इस डेटे से ना, आपने उसको यहाँ शो कराने की कोशिश करनी है। और इसमें आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई कोडिंग नहीं सिखा रहा, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है आपने, यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, आपने सिंपल पिवट टेबल लगाना है और अपने आप को दिखाना है, आपको समझ आनी चाहिए इसमें बेस्ट क्या। अगर मैं कहूँ सिंपल सवाल है कि कौन सी ऐसी 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया, इसमें से निकाल सकते हैं आप? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। रजा साहब आप भी डाटा देख रहे हैं सर? जी जी सर बिल्कुल। सर आपसे रिक्वेस्ट ये, आप सीनियर बड़े हैं तो आपको ये मुश्किल लगेगा काम करना, लेकिन आप एफर्ट जरूर करिएगा सर, ताकि फिर ये 150 लोगों का काम जो है ना, आप कह सकेंगे यार तो सौखा काम सी, तू मेनू पागल बनाया। बिल्कुल सही, ठीक है सर। ये कैसे फाइंड करेंगे हम कि भाई कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है? आपने सोचना है, इसी ये 7 दिन आपके पास है इस फाइल को, इसको जो कर सकते हो ना आपने इसके साथ जो तिया पांचा करना है करके लेके आना, फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट सेशन करेंगे और फिर मैं आपके सामने इसके ग्राफ्स बनाऊंगा वो जो हमने उधर बनाए थे सर। ये जो बेसिकली ये जो आप हमें देंगे ये डेटा सेट है? हाँ जी हाँ जी, ये पूरा एक्सेल फाइल है, ये एक एक्सेल फाइल है पूरी, ये लिखा हुआ ना फाइनेंशियल सैंपल, ये मैंने थोड़ी देर पहले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है आप लोगों की एक्सरसाइज करने के लिए, जिसमें आप हर चीज सीख सकेंगे। उमेर ये सेल्स से रेलिवेंट भी है, आप लोग इससे ना थोड़ा सा कोरिलेट भी कर सकोगे। हेलो जी सर, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक छोटी सी, हमें आइडिया हो गया है कि ये इसका आउटपुट किस किस तरह से निकाला जा सकता है। जनरली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारी आइटम्स जो हैं वो कितनी हैं, रजा साहब के लिए या बाकी भाइयों के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं मैं okay. मैं ये चाहता हूँ हर बंदा अपनी आउटपुट लेके आए, क्योंकि अगर आप बता देंगे ना तो प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है सर, मैं सिर्फ एक चीज करने लगा था, सिंपल सी सिंपल, मैं देखना चाहता हूँ मंथ ऑन ईयर, मंथ प्रॉफिट, मैं मंथ इधर ले आऊं, अगर ये देखें मैं इसमें ये सिंपल चीज मैंने देखी है कि 2013 सितंबर में इतना प्रॉफिट था, अक्टूबर नवंबर ये प्रॉफिट देख रहा हूँ, अब इससे मुझे पता नहीं लग रहा, मैं देखना चाहता हूँ ये प्रॉफिट किस कंट्री का है। अब मुझे प्रॉफिट की सेग्रीगेशन नजर आ गई है कि हर मुल्क की हर महीने में साल में कितना प्रॉफिट है, और मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि हर प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट है। आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको भी सब कुछ खत्म कर दूं और आसान हल बताऊं, ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा क्रेज रहे कि कुछ हुआ जरूर था लेकिन कैसे हुआ था वो आपने एक्सप्लोर करना है। मैं इसको डिलीट कर दूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। आयशा आप है हमारे साथ? सर रिक्वेस्ट है कि एक बार ये सारा टेबल सेलेक्ट करके पिवट किस तरह बनाना है ये बता दें जरा। चले मैं एक और काम करने लगा था, मैं यहाँ से डेटा सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ एंड तक जाऊंगा, कर्सर से ये जा रहा हूँ मैं, नीचे को आऊंगा, ये मैं नीचे तक जाता जाता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन का बटन दबा के ना मैं पूरा एक ही दफा में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया जी।
मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके ना मैं एक और काम करने लगा, पिवट चार्ट ऐड करने लगा। तो जो चीज आपको टेबल में दिखा रहा था ना, मैं आपको चार्ट में दिखाना चाह रहा हूँ। फर्ज करें ये कंट्री डालना मैंने और ये इसकी सेल्स डाल, आपको वही टेबल आप ग्राफ में नजर आ रहा है। इस पे मैं डाल देता हूँ डेटा लेबल्स डाल, ये तो ग्राफ है ना जो पहले शो करवा रहे थे, वो मुझे एक दफा सर दोबारा बता दीजिएगा कि प्राइवेट में कैसे। मैं दोबारा बताता हूँ दोबारा। ये देखिए नजर आ रहा है जी, अब इस पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ सॉर्ट करा के सबसे ज्यादा सेल्स से सॉर्ट कर दे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 27 मिलियन की सेल है, कनाडा में 26 मिलियन की सेल है, फ्रांस में उससे कम है। ये सॉर्टिंग भी होगी, मुझे पता लग गया मेरी सेल सबसे ज्यादा किस कंट्री में। अब मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट की सेल है, मैं वो ऐड करता हूँ। अगर मैं इधर ऐड करूँ, चले वो बहुत ज्यादा है, तो मैं कंट्री को इधर ले जाता हूँ, प्रोडक्ट इधर ले आता हूँ। अब नजर आ रही है जी, अब मैं एक एक कंट्री देख सकता हूँ, कनाडा की देखूँ ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पिवट टेबल को एक्सप्लोर करना है। आप लोगों ने जिसने यूज किया है उसने भी, और जिसने नहीं यूज किया उसने भी। मैं आपको सिंपल अभी यहां से तो बता देता हूं, लेकर मैं आपको पिवट टेबल की वीडियोस भी भेजता हूं। जुनेद आपके लिए है ये, मैं डाटा यहां से सारा सिलेक्ट किया, ये नजर आ रहा है? यस सर, ये सारा सिलेक्ट हो गया। मैं इंसर्ट में गया, यहां पे सिंपल पिवट टेबल, किधर गया ये पिवट टेबल, पिवट चार्ट, इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे, अब इंसर्ट पे लेफ्ट साइड पे आपके बिल्कुल लेफ्ट पे है द शो। तो मैं लगा के गया हूँ, ये पिवट चार्ट है, पिवट टेबल, ये वाला, ये पिवट टेबल है। हसन है हमारे साथ? हसन जी जी मैं इधर ही हूँ सर। सर इसे जस्ट क्या कहते हैं, हमने सिलेक्ट करना है, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना। जुनेद मैं आपको आसान हल बताता हूँ, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, उस पे आपने लिखना है पिवट टेबल्स। ये देखो ये सबसे टॉप पे ये इंडियन बंदा है, ये आपको एक एक स्टेप बता देगा। ठीक है, बजाय इसके कि मैं आपको सारा कुछ बताऊं, आप कोई भी एक वीडियो, जी बिल्कुल, मैं आपको खुद वीडियोस भेज दूंगा, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो हम शुरू कहां से करेंगे, हमने इस डेटा सेट को एक्सप्लोर करना शुरू करना है, फिर हम जाएंगे आगे सारे स्टेप्स के ऊपर। ठीक है जी, मैं आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं, क्योंकि 10 बज गए, मैंने भी ऑफिस सुबह जाना है, आप लोगों ने भी। अब किसी ने अपना कोई भी क्लोजिंग फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, ये जब हम एक्सप्लोर करेंगे जो डाटा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का या किसी, वो फिर हम सेव करते जाएंगे कंट्रोल एस से सेव करके। बिल्कुल कंट्रोल एस से सेव होगा। आपने ना वो वीडियो जरूर देखनी है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वो ठीक है सर। और ये आपको यानी कि प्रोडक्ट्स की अलहदा भेजनी है, सेगमेंट्स अलहदा? नहीं 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 नहीं, आपने एक्सेल शीट बना के ना, ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं करता क्या हूँ। ये फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको स्लैक में मैं अटैचमेंट भेज रहा हूँ, किधर की फाइल, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर डेस्कटॉप, ये मैंने आपको फाइल, आपको स्लैक में सबको आ गई होगी। स्लैक इसलिए इंस्टॉल किया था कि व्हाट्सएप पे फाइल इधर उधर हो भी जाए ना, तो स्लैक पे आपके पास मौजूद है। ये आ गई आप लोगों के पास फाइल, या आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, और ये सारे जो भी आप कर सकते हैं ना, मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है। और फिर आप पूरा, मैं स्लैक पे अवेलेबल हूँ, कोई बंदा भी मेरे से किसी वक्त भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, मैं कोई मतलब कहीं नहीं गया। आप मेरे से एसएन मुबीन को काइंडली स्लैक पे ऐड कर लें। एसएन मुबीन जो है ना, नहीं वो ग्रुप में नहीं है जो बनाया हुआ आपने। सर अभी आपकी बात समझ नहीं आई मुझे कि मतलब फॉर एग्जांपल हम एक कंट्री निकालते हैं कि 5 कंट्रीज हैं और उसमें ये प्रोडक्ट,
अलग अलग करके उनकी फाइल बनेगी या उसको कैसे हम आपको भेजेंगे? आपने ना एक काम करना है, मैंने अभी आपको ये जो है ना, आपने पहले वीडियो देखनी है, फिर आपने मुझे मैसेज करना है यहीं पे, ठीक है? ये पूरी वीडियो देखनी है, फिर आपने मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि आपने करना है। अच्छा, वो आप कह रहे हो कि ऐड नहीं है, मैंने ऐड किया नहीं है, एसएन का मेरे पास ईमेल एड्रेस है, एसएन ईमेल एड्रेस बताओ सर, या मैं ग्रुप के अंदर मैसेज यहां पर लिखो, अपना ईमेल बताओ, लिखोगे नहीं आप बताओ, वो ऑलरेडी चैनल के अंदर है, ये मैसेज नहीं मिला, नहीं नहीं एसएन मुबीन इसके अंदर है, देखो मैं अभी आपको टैग करता हूँ, ये देखो एसएन मुबीन इसी चैनल में है, ये मैंने टैग किया आपको, इसके स्लैक जो एप्लीकेशन है उस पे नहीं शो हो रहा, ये नहीं, मैंने तो इनवाइट भी, मैंने इनवाइट किया हुआ, हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है जी। अब आप इसके बारे में कोई आप लोगों का फीडबैक है तो आप मुझे दे सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं कि हम 15 मिनट लेट हो चुके हैं। आर यू, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आर यू ओके विद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर? यस यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्री ऑन द सेम पेज। तो आपको लगता है कि ये कोर्स या ये ट्रेनिंग आप में कोई वैल्यू ऐड कर सकेगी? डेफिनेटली अ लॉट, डेफिनेटली, बिल्कुल, देखते हैं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हाँ जी, सबसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्लैक मैंने इसलिए बनाया है, जो बंदा अभी प्रैक्टिस करेगा ना, वो स्लैक पे मैसेज डाले तो मैं उसको उसके सवाल का जवाब स्लैक पे दूंगा, उसका फायदा ये होगा कि दूसरे बंदे के वो सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। निकाल लेता हूं आज, ठीक हो गया? ठीक हो गया जी सर, चले जी, मैं दो मिनट में खत्म हूं, सॉरी। अच्छा ठीक हो गया जी, आई होप के हमने अपनी बेस्ट कोशिश की है, और ये मैं साइमा आप मुझे भेज दीजिएगा ये वीडियो, फिर हम उस पे आप ड्राइव पे भी दे दीजिएगा और मैं उस चैनल पे भी चढ़ा दूंगा, ताकि ये लोग वहां से भी क्लिक करके देखें, तो ड्राइव में बार दफा नहीं भी चलती ना, तो हम फिर उधर से भी चैनल पे भी चढ़ा दें। जी बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि जो पहला हमारा सेशन था उसकी जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो जो हमारा पोर्टल बनने के करीब है उसके ऊपर भी वो अपलोड हो जाएंगे, और ये हमारे अपने पोर्टल के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया जी, चले जी। आप किसी ने कुछ कहना तो मेरी तारीफ वगैरह करनी तो कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बाकी फिर ठीक है। मुझे करनी है आप कर दे। एक तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया सारे जो मेंबर्स हैं, चूंकि प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए हमें ये टेंशन नहीं है कि हमें किस तरह से जो है वो इंगेज करवाए रखना है, क्योंकि वो खुद जिम्मेदार हैं, तो हमारे आधे से ज्यादा काम तो आप लोगों ने खुद ही कर दिया। अभी मुझे थोड़ी सी फेवर आपसे चाहिए, जिन लोगों के फोन नंबर्स ऑलरेडी मेरे पास ईमेल के वाया या फोन के वाया आ चुके हैं, वो नहीं, जिनके अभी मिसिंग हैं वो काइंडली मुझे या तो ईमेल के थ्रू सेंड कर दीजिए, ताकि आपका जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उसमें हम आपको ऐड कर सकें। जी मैम, भेज जी मैम। मैं चैट में आपको अपना नंबर दे देती हूँ, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना नंबर अपने नाम के साथ, नंबर तो ऑफकोर्स आ ही जाएगा। व्हाट्सएप आप यूज जरूर कीजिए, लेकिन बेसिक कोर्स वर्क के लिए हम स्लैक यूज करेंगे, ताकि व्हाट्सएप पे आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना आपके वो फोल्डर में गायब हो जाती हैं, फिर मिलती नहीं है, तो स्लैक इसलिए मैंने इंस्टॉल करवाया जी। जुल्फकार साहब, आई होप के यू एंजॉयड द सेशन सर। जी सर, बहुत फ्रूटफुल है, इंशाल्लाह आगे भी
बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह सर। रजा साहब सर आप जी सर हाउ वाज इट ग्रेट सर। इसमें कुछ डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिस की जो चीज आपने दी है इसको थोड़ा सा करते हैं ताकि कुछ चीजें एक्सप्लोर करें तो इंशाल्लाह और चीजें आगे जो आपने जो विजुलाइजेशन की जो एंड कुछ दिखाए थे डैशबोर्ड वो बड़े कमाल के थे तो कोशिश करते हैं जितना भी हो सके इसको बनाने की। सर मैं आपको एक सादी सी बात बता देता हूँ मुझे अपवर्क के ऊपर मैं एक आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैं अपवर्क पे ये सिर्फ आप लोगों से शेयर करने के लिए कि मैं 500 या $1,000 से नीचे कोई प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं करता। उसकी रीजन क्या है कि डैशबोर्ड वाले एरिया में अपवर्क पे एक्सपर्ट्स बहुत कम अवेलेबल, जो डेटा रेंगलिंग क्लीनिंग और ये जो डेटा माइनिंग है ना आप एक पोस्ट डालेंगे उसके ऊपर आपको 1,000 बंदा रिवर्स मिल जाएगा जो काम करने के लिए बैठा हुआ, लेकिन जो डैशबोर्ड बनाने वाला काम है ना वो लोग बहुत रेयर अवेलेबल। और सर मैं आपको मजे की बात बताऊं मैं बैंक में था तो बैंक में भी NIB बैंक पे वो आप NCB है सारे डैशबोर्ड मैं बनाता था और बैकएंड पे अब बीकनाउस में भी मैं बनाता हूँ अल्फला में भी बैकएंड पे सारे प्रोसेसिंग मैं करा था। तो ये मैंने वक्त के साथ सारी चीजें सीखी हैं कि मैनेजमेंट को एक पेज पे मैक्सिमम चीजें आप दिखा देना तो वो मतलब आपको आपके बगैर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। वेरी ट्रू। अदरवाइज क्या होता है हम कह रहे होते हैं जॉब नहीं मिलती और सर मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी चीज अगर लोग सीख लेना इतनी जॉब है ना कि आप परेशान हो जाए। सर इंशाल्लाह जरूर सीखना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का पहला दिन था पहला सेशन था बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं मेरे जो डेली डे टू डे टास्क होती हैं मेरा डेली का काम ही डाटा मैनेजमेंट है MIS है डिफरेंट रीजन की मेरे पास हेड ऑफिस से भी आती हैं ब्रांचेस से भी आती हैं रिपोर्ट्स। तो अभी हम मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं अपने सेगमेंट को देखूँ तो अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ मतलब जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं वो तो शायद अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हम बट ये है कि उसको हम एडवांस कर सकते हैं ये स्किल्स अप्लाई करके और जैसे हम उसको एडवांस करेंगे तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे मैनेजमेंट के लिए भी जैसे स्टाफ के लिए भी। मैं आपकी बात को सपोर्ट करूंगा कि जितने लोग हैं वो अपने सारे जो काम हैं आई विल हेल्प देम आउट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स टू ऑटोमेट। सिर्फ ट्रेनिंग दे के आपको ये नहीं कहूंगा कि अपने जो आपके काम है सारे खुद ही कर लो मैं आपको करके दूंगा आपके साथ ताकि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दो तो आपकी जिंदगी में फायदा होना शुरू हो जाए फायदा होना फिर वो क्योंकि वो डेटा सीक्रेसी आपस की होती है तो फिर मैं 1-to-1 सबको हेल्प करूंगा वो फिर सबके साथ फ्रंट पे नहीं करूंगा ताकि एक दूसरे का डेटा आपसे शेयर ना हो। तो अब पर्पज इज क्रिस्टल क्लियर कि आप सारे लोग ट्रेड हो जाए आपका फायदा हो जाए हमें स्वाब हो जाए बस। सर मेरा तो पर्पस मैंने पहले भी बताया कि मेरा पर्पस जो है वो गोल यही है कि मैंने स्किल्स सीख के तो इससे आगे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आप कह रहे हैं कि अपवर्क पे आप काम करते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं भी अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाऊं। yes, मैं पिछले कोई 5-6 महीनों से ई कॉमर्स को स्टडी कर रहा हूँ अभी जस्ट स्टडी कर रहा हूँ अभी मैंने नहीं काम नहीं सीखा है ना मैंने किया है बट जस्ट यूट्यूब पे और डिफरेंट कन्वोकेशंस कह लें या डिफरेंट जो स्किल्स की ई कॉमर्स की जो आजकल एक वेव आई हुई है हमारे मुल्तान के ही हैं मिनिस्टर भी वो इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं तो उस हवाले से मैंने लेक्चर्स लिए काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं बट जो सबसे बेहतर मुझे ये लगा जो सबसे कह लें कि इजीएस्ट तो ना कहूँगा लेकिन बट ये है कि जल्दी जिसको आप लर्न करके आप जल्दी स्किल सीख के जल्दी ग्रो कर सकते हैं तो वो सबसे आसान मुझे यही लगा कि मैं डाटा साइंस को ही मतलब सिलेक्ट करूँ। और उसकी वजह पता क्या है इसकी ना तो ट्रेनिंग्स अवेलेबल है ना कोई ऐसे ट्रेनिंग दे रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ सिर्फ मैं एक चीज दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन आपसे शेयर्ड है कि नहीं ये जो लेट हैं जो जाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं ये हमारी वजह से बिल्कुल मत रुकिए प्लीज
वो तो डिस्कशन चल रही है तो मैंने कहा चले एक चीज कर देता हूँ, जो लेट है वो जा सकते हैं फॉरन। हम बाकी सर उमेर एंड टीम इजाजत चाहती है, आपने मेरा नाम उमेर एंड टीम रख दिया है। बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, मैं इनको इनको दिखा देता हूँ, जिनको देख रहा हूँ मैं उनको दिखा देता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू अल्लाह हाफिज। वो स्क्रीन किधर गई, कहाँ से? एक तो ये सर वो यूट्यूब के जस्ट आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, क्लास इज एंड। यस यू कैन गो। कैन आई लीव नाउ? यस 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 यू कैन लीव। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। यार वो मुझे शेयरिंग वाली ऑप्शन तक पहुंचने नहीं दे रहा। खैर जो यही स्क्रीन है और इस पे मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करूं, इस पे करूं, यार ये ना जूम मुझे कभी कभी घुमा देता है। तो इसमें है प्रॉब्लम ये, जब स्क्रीन आउट हो जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। चलो अभी मैंने आपको दिखाना क्या था भला? अपवर्क के बारे में ही आप बता रहे थे कि। अच्छा मैं आपको ये कहने लगा था कि आप ना सिंपल एक चीज अपवर्क के प्रोफाइल बनाओ और उस पे एक्सप्लोर करो कि डेटा साइंस के कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं डेटा एनालिटिक्स के, फिर वो हम वन टू वन भी डिस्कशन कर लेंगे, स्लैक पे भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं, मैं अवेलेबल। ठीक है इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ज़ुल्फ़िकार साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू। हां अरिफ थैंक यू सो मच, ज़ुल्फ़िकार साहब थैंक यू सो मच, रजा साहब थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सर थैंक यू मच। I am available sir on Slack and for any help, any questions throughout the week. Right sir. Right sir. So nice of you. Please use this medium, please. Right sir. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Okay team. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Is Saima band kar de? Mere to wo bhi screen nazar nahi aa rahi. Acha. Aur aap fir video bhej dijiyega hai? Ji ji, main bhej deti. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, Zulfkar sahab, Allah Hafiz. Allah Hafiz sir. Allah Hafiz. See you tomorrow in the office. See you. Inshallah sir. Okay sir. Okay. Okay.